हेलो हेलो हेलो, थोड़ा आवाज़ कम कर देना। हेलो हेलो हेलो, एम्पलीफायर चेंज किया गया यहाँ पे कि सेम ही है? अतुल देखना वाईफाई कौन सा वाला है। जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस, देन विल गेट स्टार्टेड। तुम्हारे लिए क्वेश्चन मार्किंग करना पड़ता है ना? चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? ग्रेट, चलो कैन वी गेट स्टार्टेड। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ आई एम अज्यूमिंग बाय नाउ ऑल ऑफ यू आर डन स्टडिंग एटलीस्ट वंस। दिस इज अ वेरी बेर मिनिमम अजम्पशन। ऑनलाइन पब्लिक, तुमसे भी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुमने एटलीस्ट एक बार बराबर से पढ़ाई कर लिया है। नाउ आई वॉज गोइंग थ्रू ICAI का नया MTP एंड दी RTP फॉर May 24। ऑब्वियसली मैंने एक छोटा सा वीडियो भी आपको बना के बोला था दैट इन दी MTP दिस टाइम करेक्ट इन करेक्ट क्वेश्चन आर मिसिंग। उसके ऊपर अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। पेपर में आएगा या नहीं आएगा वापस से अभी भी बोलता हूँ, सब्जेक्टिव है। इट्स वेरी टफ टू एक्चुअली से कि नहीं भाई पैटर्न चेंज हो चुका है, 100% नहीं आएगा। ये बोलना तभी पॉसिबल होगा जब एक्चुअली पेपर आता है। मैं आपको तब भी उस वीडियो में सिंपल सी बात बोली थी कि अगर नहीं भी आया तो भी आपका कोई लॉस नहीं है, आपको एनी विच वेज एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा जिसके लिए आप वैसे भी प्रिपेयर रहने वाले हो, बिकॉज आप इन जनरल थियरी का प्रिपरेशन करके ही जाओगे तो कोई एडिशनल प्रिपरेशन का जरूरत नहीं है। मैं रादर अभी भी ये बोलूंगा लेटेस्ट ICAI मॉड्यूल के अंदर करेक्ट इनकरेक्ट के क्वेश्चंस हैं और हर चैप्टर में उन्होंने लिख करके दिए हैं लास्ट में, जो हमने अक्यूमुलेट करके Q&A मॉड्यूल में भी दिए हैं आपको। मैं अभी भी बोलता हूं जितने ICAI मॉड्यूल में करेक्टिंग करेक्ट के क्वेश्चंस है उतने आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने चाहिए, दे आर मोर देन सफिशिएंट। अगर सेम पैटर्न कंटिन्यू होता भी है तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। चेंज हो गया और अगर करेक्टिंग करेक्ट नहीं आया तो वैसे भी कोई तकलीफ नहीं है, बिकॉज कोई नया कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सिमिलर थियरी क्वेश्चन आने वाले हैं। वो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना पड़ेगा जिसमें चार पार्ट रहेंगे, 4-4 and 3-3 marks वाला, तो उसके लिए कुछ आपको स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। अब आज का सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। ऑनलाइन पब्लिक, मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम लोग ढंग से सुनने का, ये सेशन से आप ये उम्मीद मत करो कि मैं कुछ रिवाइज करा दूंगा।
आज का ऑब्जेक्टिव है तुमको थोड़ा धोने का, कि अगर तुमने थोड़ा बढ़िया से पढ़ाई किया है फिर भी अगर आईसीएआई का पेपर बहुत अच्छा अगर आए तो कैसा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। एंड समटाइम्स व्हेन यू रीड अ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन रीड करते हुए आपको लगेगा इट टेक्स यू इन अ डायरेक्शन, बट एक्चुअली में लास्ट मोमेंट के अंदर वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्वीक होकर के कोई और ही डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। एंड जेन्युइनली बता रहा हूं, जैसा एमटीपी देखा है मैंने, कुछ चार या पांच क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए जो मेरे को लगे बहुत ही बकवास थे, जो उन्होंने वैसे नहीं पूछने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अदर देन दैट मेरे को वापस ऐसा लग रहा है, मैंने आपको मे 24 के रेगुलर बैचेस में भी बोला था, अब से ऐसा हो जाएगा कि आप कितना भी याद करके जाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इट्स गोइंग टू बी प्योर एप्लीकेशन। एंड एमटीपी इज अ क्लासिक एग्जांपल दैट अगर आपको जेन्युइनली समझा है तो ही पेपर में अप्लाई करना पॉसिबल होगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो इतने बढ़िया है, दे आर एक्चुअली सो नाइस दैट आई एम लुकिंग एट आईसीएआई द्वारा दिए गए सच क्वेश्चंस फॉर द फर्स्ट टाइम। And I'm really happy that even ICAI has started thinking in that direction. जान बूझ के मैं वही questions लेकर के आया हूं। अब देखो जो basic वाले questions है वो बताऊंगा कि ये question होता है, 99% बच्चे ने अगर एक बार भी reading की है उसे पता है ये question क्या है। ऐसा नहीं होगा कि आप वो क्वेश्चन ही समझ नहीं पाएंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव आज का है ये क्वेश्चंस डिस्कस करना, जो जब आप खुद से पढ़ने के लिए जाएं वन गो में शायद आपको भी बाउंसर जाएगा, और वो क्यों बाउंसर जाएगा उसके पीछे लॉजिक आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर ऐसे क्वेश्चन को आपने कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए और कैसे आंसर लिखने के बारे में सोचना चाहिए, ये गाइडेंस देना मेरा आज का काम है। हम ट्राई करेंगे एमटीपी के जो मेजर क्वेश्चंस है, अभी तक एक एमटीपी अवेलेबल है हमारे पास में, वो पूरा डिस्कस कर लें। आरटीपी के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, मेरे हिसाब से वो भी कवर हो जाए। लेट्स सी, अगर दोनों हो जाते हैं तो मैंने अपने मॉड्यूल से भी कुछ क्वेश्चंस पिक किए हुए हैं, इफ वी विल हैव टाइम वी विल गो देयर आल्सो, लेट्स सी हाउ इट गोज। शुरुआत करें, अगर आपके पास में आरटीपी एमटीपी है तो बढ़िया है, अदरवाइज सामने देखिएगा, डोंट वरी अबाउट दिस, सामने आपके सामने डिटेल्ड क्वेश्चन रहेगा, आपको रीड करने का मौका मिलेगा, बराबर से रीड कीजिएगा अच्छे से, प्लीज डोंट टेक इट लाइटली। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये सेशन आप तभी देखिएगा जब एक्चुअली में आपने एक बार पढ़ाई कर लिया हो और आपको जेन्युइनली अपने आप को टेस्ट करना हो और थोड़ा सोचना हो कि भाई मैं बचे हुए टाइम में प्रिपरेशन कैसे करूं। एक वार्निंग जो मेरे को लगता है, 3 दिन का छुट्टी है इस बार एग्जाम से पहले, बराबर है, इस बार बहुत सारा बच्चा सिर्फ 2 सब्जेक्ट का एग्जाम भी लिखने वाला है, ऑडिट एफएमएसएम इन ग्रुप 2, बिकॉज दे वुड हैव क्लियर्ड ग्रुप 1 अर्लियर। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मेरे हिसाब से इस बार का पेपर बहुत आसान नहीं होने वाला है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं जानबूझ करके, परफेक्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ऑल फैक्टर्स आर टेलिंग मी दिस इज गोइंग टू बी प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट पेपर्स जो आज तक हमने देखा होगा, ऐसा मेरा फीलिंग है फॉर मे 24। जबरदस्ती आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, बट दिस इज व्हाट आई एम सेंसिंग, और एमटीबी देखने के बाद मेरा सेंस ऐसा और बढ़ गया है कि एक्चुअली में पेपर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसा हम सोच रहे थे कि हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, वैसा नहीं होने वाला है। आप अपने एफर्ट्स को और बढ़ा दीजिएगा, रादर वो 3 दिन बिल्कुल भी टाइम पास मत कीजिएगा, जितना डिटेल में कंप्लीट सिलेबस पढ़ सकते हो उतना पढ़ने का ट्राई कीजिएगा, तो ही जेन्युइनली आपके लिए पेपर फायदेमंद होगा। दैट शुड बी योर अल्टीमेट अप्रोच। ये छोटा सा एक पॉइंट था, सो मैं भूल जाऊंगा बाद में, इसलिए आई थॉट आई विल टेल यू राइट अवे। कैन वी गेट स्टार्टेड नाउ? चलिए पहले हम थोड़े से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं, फिर हम लास्ट में एमसीक्यू के ऊपर आएंगे। मेरे को कुछ क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया लगे, मतलब आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नॉर्मली एमसीक्यूज खत्म होने के बाद में आपको मालूम रहेगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर जो जनरली पहला क्वेश्चन होता है ना वो कंपलसरी होता है, वो आज तक हमारे लिए करेक्ट इनकरेक्ट था, वो आज तक हमारे लिए क्या था, करेक्ट इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन था, और करेक्ट इनकरेक्ट में ऑप्शन आता था कि भाई 8 क्वेश्चन दिए हैं आप इसमें से कोई भी 7 सॉल्व कर लीजिए। ये जो पैटर्न है ये फाइनल का पैटर्न है, फाइनल में नॉर्मली एमसीक्यू आता है, उसके बाद प्योरली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलवेज द कंपलसरी क्वेश्चन, एंड नॉर्मली फाइनल के पेपर में सबसे बुरा क्वेश्चन यही क्वेश्चन होता है, द फर्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज वो कंपलसरी होता है, 4 पार्ट होते हैं उसके अंदर, एंड ट्रस्ट मी वो इतने बाउंसर होते हैं क्योंकि वो हर अलग अलग कॉर्नर से आते हैं, मतलब और वो मेजोरिटी ऐसे के ऊपर होते हैं, बट दे कम फ्रॉम सच कॉर्नर्स कि वो ऐसे के सबसे चैलेंजिंग पार्ट्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके केस में 50% वेटेज एसेस का है, 50% वेटेज अभी भी मिसलेनियस चैप्टर्स का है, उसमें ऑब्वियसली हमारा इंटरनल कंट्रोल चैप्टर भी आता है, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज भी आती है, कारो भी आता है, कंपनी ऑडिट भी आता है। तो आपके लिए मैं बोलूंगा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो 4 पार्ट रहेंगे, ये मान के चलिएगा 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे इसके, मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे के तो मान के चलिएगा, एकाध क्वेश्चन मेरे को अभी भी लगता है कंपनी ऑडिट वगैरह से आ सकता है, और एकाध क्वेश्चन हो सकता है वो चैप्टर 5 या चैप्टर नंबर 9 ऑडिट ऑफ
आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, दोनों में से किसी एक जगह से पूछेगा, इस तरीके से वो पहले क्वेश्चन का ब्रेकडाउन रहेगा। वापस से आपने क्वेश्चन तब पढ़ना चाहिए आपका रीडिंग टाइम के अंदर, पहले सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा मेरे को पहले क्वेश्चन में कौन कौन से पार्ट्स को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। शुरुआत करें फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। आइए, मैं अज्यूम कर रहा हूं आप में से मेजोरिटी लोगों ने ये अभी तक पढ़ा नहीं है, इसीलिए आप सुबह उठ करके 9:30 बजे आ गए हो यहां पे, बराबर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम अज्यूमिंग द सेम थिंग फ्रॉम यू गाइस। चलो पढ़ो मेरे साथ में क्वेश्चन क्या बोलते हैं। डॉक्स लिमिटेड, अ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग कुरियर सर्विसेज पैन इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनल, बड़ा कंपनी है, दे हैव अपॉइंटेड एन इंटरनल ऑडिटर मिस्टर जी इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट। अब देखो सडनली क्वेश्चन का स्टार्टिंग में देख के क्या लग रहा है, एक बड़ा कंपनी है एंड उन्होंने किसको अपॉइंट किया है, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया। थोड़ा दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, इंटरनल ऑडिटर के लिए सेक्शन 138 होता है, दैट टॉक्स अबाउट एप्लीकेबिलिटी, कब आपने इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहिए, इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है, ये आपके दिमाग में ट्रिगर होना चाहिए। आपको सेक्शन 138 याद नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेजोरिटी क्वेश्चंस में एक चीज और बोलता हूं, इस बार आईसीआई से मैं इंप्रेस हुआ, वो याद करने वाली चीजों पर फोकस ही कम कर रहे हैं, वो रादर वो खुद ही लिख देगा कि ये एप्लीकेबल है, तो तेरे को बैठ के लिमिट्स नहीं याद भी है तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, एक दो जगह फिर भी याद करने का जरूरत है, मेजोरिटी जगह क्वेश्चन में बोल देगा ये एप्लीकेबल है इसलिए ऐसा किया गया है, वो तुझे ये नहीं बोल रहा है कि लॉ के हिसाब से कंप्लायंस हुआ कि नहीं हुआ है, वो सिचुएशन ही अलग पोर्ट्रे करेगा। देखो क्या बोलते हैं, 2013 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, उन्होंने कंपनीज एक्ट के हिसाब से 23-24 के लिए इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया, द कंपनीज एनुअल टर्नओवर 22-23 एंड 23-24 इज अबाउट हाउ मच सर, 300 crores during each of the above year. कहना इसे एक 300 करोड़ का रेवेन्यू बोल रहा है वो दो साल के लिए, चलो बराबर है। अगर मैं थोड़ा सोचूं शांति से, थोड़ा शांति से सोचूं, सेक्शन 138 याद है क्या, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट थोड़ा बहुत याद है क्या, चार लिमिट से 25, 50, 100 and 200 याद आ रहा है क्या, टर्नओवर का लिमिट 200 करोड़ था कि नहीं था, थोड़ा याद है क्या, इन केस ऑफ अ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, इन केस ऑफ अ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट के लिए 100 crore 200 crore दो ही लिमिट थे और 200 करोड़ क्या था, टर्नओवर था, कह रहे हैं उसके तो ऊपर ही अमाउंट चल रहे हैं, दैट मींस एप्लीकेबिलिटी इज नॉट अ चैलेंज हियर, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आगे देखो, बिजनेस ऑफ द कंपनी हैज बीन प्रॉफिटेबल, एमजी मिस्टर जी हेड्स इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी, और वो क्या काम करता है, वो असेस करता है गवर्नेंस एक्टिविटीज, वो असिस्ट करता है इन इंप्रूविंग द रिस्क मैनेजमेंट एंड वो रिव्यू करता है इंटरनल कंट्रोल। ये पता है उसने क्या लिखा है, जो एक इंटरनल ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है ना वो लिख दिया है, एक इंटरनल ऑडिटर ने ये सब काम करना चाहिए, हमारे चैप्टर 3 के अंदर एक साइड में लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ अ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, बराबर है कि नहीं है, वो भी क्वेश्चन में आ गया है। प्लीज मेरा बात सुनिएगा, जब आप क्वेश्चन रीड करते हैं यहां तक रीड करने के बाद अपने दिमाग को एक चीज हमेशा बोलना, लास्ट 3 लाइंस ऑफ सच केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस विल ऑलवेज बी ट्रिकी, उसमें कुछ तो अलग रहेगा और अपना जो ऊपर के लाइंस का अंडरस्टैंडिंग है उसे जबरदस्ती लास्ट 3 लाइन पे नहीं थोपना है, अगले 3 लाइन को या अगले 4 लाइन को जो लास्ट का सेंटेंस रहेगा आफ्टर द फुल स्टॉप उसको बहुत केयरफुली पढ़ना है। देखो क्या बोलता है, डिस्कस रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, यही बाउंसर है, ऊपर पूरा डिस्कशन है इंटरनल ऑडिटर के बारे में बट क्वेश्चन किसके ऊपर है, रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अब यार ऑडिटर की तो बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू इंटरनल ऑडिट, मतलब पूरा स्टोरी दिया तेरे को, बाद में बोला एक्सटर्नल ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी बताओ एज पर कंपनीज एक्ट, और बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटर के बट इन रिलेशन टू व्हाट सर, इंटरनल ऑडिट। अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप तुक्का लगाने का ट्राई कीजिए, बस इतना ही क्वेश्चन है, मतलब जस्ट इमेजिन ऊपर का स्टोरी यूजलेस है, आई डोंट नो वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ऊपर का स्टोरी उसने बिल्डअप किया है दैट इट इज रिलेटेड टू इंटरनल ऑडिटर, आई यू अंडरस्टैंडिंग दैट, बट द क्वेश्चन इज नॉट ऑन इंटरनल ऑडिट, द क्वेश्चन इज ऑन स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब नॉर्मली जनरली इंसान के नर्व्स ना बहुत अजीबोगरीब होते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, इसीलिए आपको बोल रहा हूं पहला क्वेश्चन सबसे डेंजरस होगा, और अगर आप में से कुछ लोगों को लगे आरटीपी एमटीपी अगला एमटीपी के क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में कि भाई पहला क्वेश्चन में डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकता है,
तो आपने काम करने का पहला क्वेश्चन पढ़ने का ही नहीं, वो वैसे भी कंपलसरी सॉल्व तो करना ही है, चुपचाप अगले क्वेश्चन से शुरू करना, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल बिकॉज आई एम टेलिंग यू ये सेम पैटर्न फाइनल में बहुत सालों से फॉलो होते आया है, सिंस 2018-19 दे हैव बीन फॉलोइंग दिस पैटर्न फॉर सीए फाइनल फॉर इयर्स, एंड सबसे ट्रबलिंग हमेशा क्वेश्चन नंबर वन होता है। एनी गेसेस क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में? कारो क्लॉज छोड़ दो यार, वाई कारो? रिक्वायरमेंट दी है, कारो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इंटरनल ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी? 99% पीपल विल नॉट बी एबल टू थिंक अबाउट इट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्वियसली, सिर्फ अगर आप कंपनीज एक्ट के बारे में सोचो शांति से दो मिनट के लिए। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा एज पर कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में आपका सिलेबस कहां से शुरू होता है? 138 से, 138 टॉक्स अबाउट इंटरनल ऑडिटर के बारे में बात करते हैं, वहां पर स्टैट्यूटरी ऑडिटर का कोई लेने देना ही नहीं है। 139 इज अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, थोड़ा बहुत याद है क्या लॉ के अंदर? 140 रिमूवल रेजिग्नेशन स्पेशल नोटिस बराबर है कि नहीं है? स्टिल नो डिस्कशन अबाउट इंटरनल ऑडिट। 141 इज एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, थोड़ा याद आया क्या? 142 रेम्यूनरेशन, 143 पावर्स एंड ड्यूटीज, उधर थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात करेगा बट वहां कहीं भी डायरेक्टली इंटरनल ऑडिटर के बारे में बात नहीं किया है, बट वहां पर रेफरेंस दिया है कारो 2013 का। कहां पर? 143 में रेफरेंस दिया है कारो 2013 का कि आपका ड्यूटी बनता है आपको कारो अपने ऑडिट रिपोर्ट के साथ में इंक्लूड करना पड़ेगा। अब कारो के अंदर जाने के बाद क्या करना चाहिए? विल थिंक अबाउट इट, डोंट थिंक राइट नाउ, आगे बढ़ो। सेक्शन 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेस, वहां तो क्या बोला है? अगर मैं इंटरनल ऑडिटर हूं तो एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं बन सकता हूं, अरे बराबर है। 144 यही बोलता है। 145 साइनिंग करने के बारे में बात करेगा, 140 साइन करो अटेंड करो जनरल मीटिंग, 145 146, कैन आई से 148 तक लिटरली स्टैट्यूटरी ऑडिटर का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिटर। दिस हैज टू मेक यू रियलाइज दैट दिस क्वेश्चन कैन बी ऑन कारो, दिस हैज टू मेक यू रियलाइज दैट दिस क्वेश्चन कैन बी ऑन, बिकॉज इसके अलावा कंपनी से का सिलेबस खत्म हो गया तुम्हारा। अरे चैलेंजिंग आसान नहीं है। अभी पास सोचो, मैं कारो के सारे क्लॉसेस याद करके गया पर उसने क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है कारो है। अरे डिड दे आस्क यू दिस इज अ कारो रिलेटेड क्वेश्चन? नो, दिस इज इनडायरेक्टली टेलिंग यू थिंक दैट द ओनली सिचुएशन कैन फॉल इज कारो। थोड़ा दर्द हुआ। अब प्रॉब्लम सजेस्टेड आंसर क्या है? वहां मेरे को भी दर्द हुआ। अगर आप इस सिचुएशन का बात करोगे, नहीं कारो पे होना चाहिए एकदम लॉजिकल है, कोई डाउट वाला बात नहीं है। कारो में एक क्लॉज है, क्लॉज नंबर 14, जो बात करता है कि भाई स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कारो में बताना पड़ता है क्या कंपनी के लिए इंटरनल ऑडिटर एप्लीकेबल है एंड उन्होंने इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया है, क्या वो इंटरनल ऑडिटर क्वालिफाइड है कि नहीं है, एंड इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट हमने यूज करनी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ माय स्टैट्यूटरी ऑडिट। ये कारो का एक क्लॉज बोलता है। सच्ची बोलूं क्या आपको मैं? अगर आपको क्लॉज नंबर नहीं भी बताना फर्क नहीं पड़ता है, ट्रस्ट मी, अगर आप आंसर देखोगे ना क्लॉज नंबर का रेलेवेंस आधे मार्क का भी नहीं है। रेलेवेंस ये है कि ये कारो के अंदर लिखा हुआ है, इसीलिए वापस जब आप पढ़ रहे हो, बार बार आपको एक बात बोल रहा हूं, सेक्शन नंबर एसए नंबर क्लॉज नंबर नहीं याद है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जेन्युइनली। अब मेरे को जो क्वेश्चन लग रहे हैं ना वहां पर वो डायरेक्टली बोलेगा नहीं कारो का क्लॉज नंबर 10 लिख, ऐसा वो करता था, अब ऐसा नहीं लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है वो सिचुएशन देगा, आपको सोचना पड़ेगा इधर एप्लीकेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू मी अगर एक स्मार्ट बच्चा हुआ उसे कारो याद भी आ जाएगा, वो कारो का क्लॉज भी लिख देगा, बट वो एक फिर भी गलती कर जाएगा, पता है क्या? वो एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो नहीं लिखेगा। वो क्या नहीं लिखेगा? एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो। नाउ लेट मी शो यू द सजेस्टेड आंसर, दिस इज वेयर द ट्रिक इज। अकॉर्डिंग टू मी मेजोरिटी पीपल इफ दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वॉट दे विल नॉट राइट इज दिस पार्ट। ये पार्ट लॉजिकल है, ये पार्ट लॉजिक पढ़ के देखो ना जरा एक बार, पता चलेगा लॉजिकल है कि नहीं होता। ये तो सेम क्लॉज ही लिखा है एज इट इज यार, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है। अब ट्रस्ट मी अगर तुमको ये क्लॉज आता है और ये नंबर नहीं आता है तो भी कोई फर्क पड़ता है क्या? ट्रस्ट मी कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है? वो इसके लिए सिर्फ दो नंबर देगा। नाउ वेयर विल यू गो रॉन्ग? वो है ना, वो 300 करोड़ का लिमिट लिखा हुआ था,
या तो टर्न ओवर लिखा था उसने 300 करोड़ का, वो इनडायरेक्टली आपको बोलना चाहता है। अब ये भी सोचो कारो के क्लॉज में जाने से पहले, इस कारो एप्लीकेबल फॉर द कंपनी? अरे कारो अप्लाइज टू ऑल द कंपनी इंक्लूडिंग ए फॉरेन कंपनी एक्सेप्ट, याद आ रहा है क्या? स्मॉल कंपनी, वन पर्सन, याद आ रहा है क्या लिस्ट पूरा का पूरा? बैंकिंग कंपनी, याद है क्या लिस्ट पूरा का? सिंप्लीफाइड तरीके से लिखा है। बट नाउ इफ यू डोंट राइट अबाउट द एप्लीकेबिलिटी यू लूज टू स्मार्क। अब आपको प्रॉब्लम क्या आएगा, तुम पेपर जब लिख के आएगा सबसे बुरा सिचुएशन क्वेश्चन ही नहीं समझा, जीरो बाय डिफॉल्ट। तू होशियार है, दिमाग लगाया, बढ़िया से पढ़ के गया, कारों के बारे में बढ़िया लिखा, क्लॉज लिखा, 1.5 to 2 marks इफ द एग्जामिनर इज वेरी रैशनल फॉर दिस क्लॉज दे विल गिव यू क्लियर 2 marks इवन इफ यू डोंट मेंशन द क्लॉज नंबर इट इज एक्सेप्टेबल ट्रस्ट मी। वेयर द चैलेंज इज यू डिड नॉट थिंक कि मेरे को एप्लीकेबिलिटी के बारे में भी लिखना चाहिए। ये ना आईसीआई का थोड़ा गलती है, यहां पे वो अजम्पशन लगा रहे कि वो 300 करोड़ पढ़ के तेरे को रियलाइज हो जाएगा कि तुझे एप्लीकेबिलिटी लिखने का है। इफ यू रियली आस्क मी दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस अकॉर्डिंग टू मी इज डिस्प्यूटेड। यहां पर आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो बट सजेस्टेड आंसर में दिया है तो मतलब अजम्पशन है कि आपने लिखना चाहिए था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब एक बात बताओ बच्चों, वापस से मैं आपको बार बार आज के पूरे दिन में एक ही बात रियलाइज करवाते जाऊंगा, तुम जब पढ़ रहे हो थोड़ा दिमाग को खोल के शांति से, 15 घंटे नहीं पढ़ाना ऑडिट तो भी चलता है, ढंग से 3 घंटे पढ़ाना तो भी बहुत फायदा होता है। थॉट प्रोसेस इक्वली इंपॉर्टेंट। जस्ट इमेजिन कारो बे की क्वेश्चन आना चाहिए था, वही आ गया, सारे क्लॉज याद करके क्या फायदा हुआ? आई मीन योर एंटायर एफर्ट्स विल गो डाउन द ड्रेन। डू यू अग्री विद मी और नॉट? यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग। डोंट डू दिस स्टुपिडिटी कि मैं सेम चीज पढ़ते जाएगा। थिंक अबाउट इट, शांति से रीड करो हर एक क्लॉज को, उसका अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो, बिकॉज ऐसा सिचुएशन अगर आया ये प्योरली एप्लीकेशन क्वेश्चन है और थोड़ा मेमोरी टेस्टिंग कर रहा है कि तू सोचे इंटरनल ऑडिटर के बारे में और किधर लिखा हुआ है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। थोड़ा समझ में आया क्या? अच्छा, ऑब्वियसली डोंट घबराओ भाई, सारा क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द एंटायर एमटीपी। फॉर्चुनेटली इट वॉज क्वेश्चन नंबर 1। कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चाहेगा अगले वाले पे? ऑनलाइन पब्लिक तुम लोग ठीक हो के सीआईसीआई बजाने की? अरे नहीं यार, ये ऐसा नहीं है। एक तुमसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं मैं, जेन्युइनली सोचो ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे कैसा लगा, व्हाट आई फेल्ट, एंड आई एम गोना एक्सप्लेन दैट टू यू। इफ यू एवर सिट इन फ्रंट ऑफ अ पीपल और इफ यू सिटिंग इन एन इंटरव्यू, वो आपसे एक्चुअली एप्लीकेबिलिटी याद एक्सपेक्टेशन रखेगा ही नहीं। वो आपसे सिर्फ यही पूछेगा, कंपनी में अगर इंटरनल ऑडिटर है इसके रिगार्डिंग एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्चुअल में क्वेश्चन बराबर है। This is what in real life someone will ask you, and in real life someone will expect कि कारों में clause है। Are you understanding my point? Clause number expect नहीं करेगा, exact wording expect नहीं करेगा, but वो ये expect करेगा कि कारों में इसके बारे में कुछ लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए, that you should know। वो ये भी expect नहीं करेगा तो 300 करोड़ पढ़ के लिख कि applicability of कारों है या नहीं। I hope you are understanding this। वो expect ये जरूर करेगा, statutory auditor should know कि उसका responsibility exist करता है regarding internal audit function also। ये चीज कारों में, ये मेरे को पता होनी चाहिए। There is nothing wrong with the question, I think it is nice। The only thing that is wrong is it should not be the first question according to me। तुम थोड़ा बच्चे को demotivate कर रहे हो मेरे हिसाब से। ये कहीं ना कहीं होना चाहिए बट पहला नहीं होना चाहिए। जाने दो, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। जाएंगे आगे? पक्का? थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन ले गया, नंबर बी। देखो पहले क्वेश्चन में कुछ आसान हो नहीं सकता है बट स्टिल लेट्स ट्राई। अप एंड हाई प्राइवेट लिमिटेड हैज स्टार्टेड इट्स एक्सपोर्ट बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर 2023-24। कंपनी वॉज केटरिंग टू डोमेस्टिक मार्केट ओनली इन पास्ट ईयर्स। CAH statutory auditor is of the view that the company has understated its revenue by 50 lakhs in the year and they have not complied with the requirements of AS9। important चीज देखना, auditor का ये view है, मतलब it sounds like auditor conclude कर रहे हैं। It sounds like auditor conclude कर रहा है that revenues are understated by 50 lakh and company ने क्या comply नहीं किया है, AS9 comply नहीं किया है। नीचे देखिए discuss, अब यहां पे question आता है, दो part में question है, discuss responsibilities of statutory auditor। वापस से, कौन सी responsibilities? To communicate with whom sir? Management। In the above situation, in accordance with SA, खुद मैं क्या बोला ना, अब वो आपसे ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता है कि आप ऐसे नंबर, आपको समझ में आना चाहिए। वो खुद बोल रहा है तुझे कम्युनिकेशन करना चाहिए, उसका ऐसे का रेफरेंस भी दिया है।
अरे बराबर है कि नहीं है. ऑल्सो एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ सच कम्युनिकेशन. मतलब ये बोल रहा है ऐसा अगर गलती मिले शुड यू कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट. हाँ, ये कम्युनिकेशन का यूजफुलनेस क्या, फायदा क्या है, इसके अराउंड मेरे को एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा. और सेकंड क्वेश्चन पूछता है अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है टू करेक्ट द मिसस्टेटमेंट एज कम्युनिकेटेड बाय द ऑडिटर, हाउ शुड ही प्रोसीड. इस क्वेश्चन के लिए कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि भाई सिंपल चीज है. रेस्पेक्टिव ऐसे नंबर भी क्या भाड़ में ऐसे क्या बोलता है अगर ऑडिटर को लगता है कि कुछ गलतियां है या गलतियां हो सकती है, दोनों केस में हमने क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए ऑन अ टाइमली बेसिस. कम्युनिकेट करना चाहिए ऑन अ टाइमली बेसिस किसको सर, टू द मैनेजमेंट एंड TCWG. जनरली हमारे साथ में मैनेजमेंट रहेगा तो पहले कम्युनिकेशन किसको होगा, मैनेजमेंट, ताकि मैनेजमेंट आपको और क्लैरिफिकेशन दे सकता है इस गलती के रिगार्डिंग, ताकि मैनेजमेंट इस गलती को ठीक करने के बारे में सोच सकता है. फिर मुझे एक बात बताइए कि हमें गलती मिली तो क्या हमने मैनेजमेंट को अपॉर्चुनिटी भी देना चाहिए टू मेक करेक्शंस. अब यहां सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट ने मना कर दिया, मतलब इनडायरेक्टली आपने उनको बोला तो था करेक्ट करने के लिए, उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया. तो आप क्या करोगे, आप सोचेंगे ना क्या इस गलती की वजह से मेरे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट आएगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली ओपिनियन क्या देना होता है, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन एन ओवरऑल लेवल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस्टेक. इफ दे आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस्टेटमेंट कैन आई गिव अ क्लीन ओपिनियन, यस. इफ दे आर नॉट फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस्टेटमेंट क्या मुझे 705 पे जाना पड़ेगा. सच्ची बताऊं यहां 705 लिखना चाहिए, पर अगर सजेस्टेड आंसर में उतना तो गया भी नहीं हो, उसने बहुत बेसिक सा आंसर लिख के दिया है, उसके लिए कुछ याद करने का जरूरत नहीं है. इट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एसे दैट इज मोर देन सफिशिएंट एंड इट्स अ टफ क्वेश्चन. ये आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको समझता है. अदरवाइज इफ यू स्टार्ट थिंकिंग सडनली 450 मिसस्टेटमेंट का डेफिनेशन, कोई जरूरत नहीं सोचने का, कोई याद करने की जरूरत नहीं है. अकल थोड़ा लगाओ, समझो गलती मिला है, गलती का अमाउंट भी दिया है, कम्युनिकेट करना चाहिए, कम्युनिकेट टाइमली बेसिस पे करना चाहिए. फायदा यह होगा मैनेजमेंट को बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगा, आपको क्लैरिफिकेशन दे पाएगा, गलतियों को रेक्टिफाई कर पाएगा. ऑडिटर ने नॉर्मली रेक्टिफाई करने के लिए बोलना चाहिए, और अगर मैनेजमेंट मना कर दे तो उनसे रीजन पूछना चाहिए, आप क्यों करेक्ट नहीं करना चाहते हो, क्या लॉजिकल रीजन है, व्हाई यू डोंट वॉन्ट टू मेक सच करेक्शन. और उसके बाद में एक इवैल्यूएशन करना चाहिए, क्या इस गलती की वजह से विल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बी फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट और दे विल नॉट be free from material misstatement. If they are not free from material misstatement, should we think about considering its effect on my opinion? यही आंसर है. आइए पढ़ लीजिए आंसर. ये तो I'm assuming आप में से majority लोग को समझा होगा. आंसर पढ़िए जरा एक बार. सिर्फ ICA का पॉइंट ऑफ व्यू समझने का ट्राई कीजिए. The above situation is an example of misstatement relating to non-compliance with AS 9. Don't you think ये तो क्वेश्चन में लिखा है? देखो, इन अकॉर्डेंस विद दी एसे ऑडिटर शाल कम्युनिकेट ऑन अ टाइमली बेसिस ऑल मिसस्टेटमेंट्स जो हम अक्यूमुलेट करते हैं ड्यूरिंग द ईयर. किसे कम्युनिकेट करेंगे, टू द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. बराबर है कि नहीं है? और सर हमने क्या उन्हें रिक्वेस्ट भी करना चाहिए करेक्ट करने के लिए? यस सर. टाइमली बेसिस पे अगर हमने कम्युनिकेट किया तो मैनेजमेंट भी इवैल्यूएट कर पाएगा क्या ये मिसस्टेटमेंट्स के साथ में वो लोग अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, एंड वो लोग सही एक्शन भी ले पाएंगे. द करेक्शन बाय मैनेजमेंट इंक्लूडिंग विद यू नो इनेबल्स द मैनेजमेंट टू मेंटेन एक्यूरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अगर करेक्शन करेंगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बराबर से मेंटेन रहेंगे. इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ लीजिए. वो क्लास में भी बोला था, ऐसे में इतना ही लिखा हुआ है पर ये इनकम्प्लीट है. इसके आगे बोलता है इफ दे आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट यू शुड गो टू 705. दैट्स द कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. मतलब लिटरली आपको बस समझ करके उनके ही लैंग्वेज को बराबर से लिखना आना चाहिए. अब मैं एक बात बोलता हूं, ऐसे क्वेश्चन में इफ इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन, आई एम अज्यूमिंग इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन, बराबर है, स्कोरिंग 3 शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. 4 out of 4 विल बी अ प्रॉब्लम बिकॉज कोई तो एक सेंटेंस आप ये भूल जाओगे, इससे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बेटर मेंटेन हो जाएंगे, ये शायद आपको याद नहीं आएगा. कोई बात नहीं, वापस एक बात सोचो, आपके थियरी क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव प्लीज दिमाग में ये स्ट्रेस डालो ही मत कि मेरे को उस क्वेश्चन में 4 में 4 आना चाहिए. आपको 4 में 4 वहां पर आएगा जहां मैं कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन दिखाऊंगा, जहां पूछेगा बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग.
जहां वो पूछेगा बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, एडवांटेजेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन कितने साल मेंटेन करना चाहिए, समझ रहे हो मेरा बात, फिर असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल क्या होता है, वो क्वेश्चंस घटिया उधर चार में चार मिलेगा आपको आइडियली, ऐसे क्वेश्चन में जहां आपको थोड़ा थॉट प्रोसेस लिखना होगा, मे बी वर्ड बाय वर्ड आप मैच नहीं कर पाएंगे, दैट्स ओके, दैट्स द गेम, हमारा ऑब्जेक्टिव वापस है, आई एम सॉरी एज अ टीचर मैंने नहीं बोलना चाहिए, डोंट थिंक लाइक सीबीएसई एग्जाम है 100 में से 100 चाहिए, ऐसा है ही नहीं, ऐसा सीबीएसई एग्जाम होता ही नहीं है, उधर तो क्वेश्चन प्रिडिक्ट करके जा सकते हो आप, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, इधर आपका एकात्मक जाने वाला 100% बिकॉज परफेक्ट आंसर मैच नहीं होगा, ऑब्वियसली उसके लिए ब्लेम ये है कि आपने क्वेश्चनिंग ऐसे नहीं करना चाहिए, बराबर है, पर हम वो डिस्कशन नहीं कर सकते, हमारा एग्जाम एक महीने में, कैन वी गो नेक्स्ट, थोड़ा अच्छा लगा, एक तो ओके लगा पक्का, चलो कोई एक अच्छा वाला क्वेश्चन पिक करते तुम्हारे लिए, जब रोएगा नहीं अभी, थोड़ा कॉन्फिडेंस ही ना तुमको लाइफ में भी, चलो ये क्वेश्चन अभी मेरे हिसाब से यार ये तो सबको आना चाहिए यार, सीए बेस्ड एट न्यू दिल्ली इज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ लैप ऑफ नेचर, कोई तो फर्म है, सिंस लास्ट 3 years द फर्म इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग टूरिज्म सर्विसेज इंक्लूडिंग हॉलीडे पैकेजेस टू इट्स क्लब मेंबर्स, इट हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑडिटर इंक्लूडिंग इज टीम मेंबर्स फ्री हॉलीडे फॉर अ वीक एवरी ईयर in one of its premium resorts in Ooty in the state of Tamil Nadu. The company has also booked free air travel for the engagement team members during all these years. You know where it is going. Tumko free of cost aisi cheeze mil rahi hai jo nahi milni chahiye. Discuss why chartered accountant is not acting. Yaad hai kya threats to independence. Ye koi na koi threat rehne wala hai na. Achha chalo. Sabse achha kya hota? Aapko dhoondna padta kaun sa threat hai. How are familiarity threads created? अरे how मतलब तूने लिख के दिया है? I hope you are understanding my point. तो हर जगह question बुरा नहीं है, वो हर जगह आपको परेशान नहीं कर रहा है, वापस इतना negative मत हो जाओ, but हाँ कुछ questions के लिए obviously आपको थोड़ा effort डालना पड़ेगा, तो familiarity thread क्या होता है वो बताना पड़ेगा, और इस situation में familiarity thread create होता है क्या? हाँ, you will become very sympathetic towards the client. क्योंकि वो आपका इतना ख्याल रख रहा है तो आपने भी उसका ख्याल रखना चाहिए, बराबर है कि नहीं है? तो जब आप ऑडिट करेंगे थोड़ी बहुत गलतियां मिल जाएगी तो भी आप क्या बोलेंगे? रिजॉर्ट अच्छा मेरे को आया था उसने, यार थोड़ी बहुत गलतियां चल सकती है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. कैन आई से ऑडिटर कैन बिकम टू सिंपैथेटिक विद द क्लाइंट बिकॉज ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ कंसिडरेशंस गिवन इन काइंड. सो इनडायरेक्टली क्या ये फेमिलैरिटी थ्रेट है? यस. क्या इसकी वजह से हम बराबर से काम नहीं कर पाएंगे? हाँ, हमारे इंडिपेंडेंस पे इंपैक्ट आएगा, हमारे ऑब्जेक्टिविटी पे इंपैक्ट आएगा. या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स विल दे गेट कॉम्प्रोमाइज? यस. अब इसके लिए कोई 5 पॉइंट 6 पॉइंट लिखने के लिए है ही नहीं. फेमिलैरिटी थ्रेट क्या होता है? मीनिंग एक्सप्लेन किया, एक नंबर उसका मिल गया. इस सिचुएशन में क्या यह थ्रेट है? हाँ यह है. कंक्लूजन क्या? इसकी वजह से मैं एथिकली काम नहीं कर पाऊंगा. हाँ, इतना ही बात लिखने का, छोटा सा एक पैराग्राफ लिखा ना, 3 में से 3 मिलेगा. ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी दिमाग नहीं लगाना होता है. हर बार ये मत सोचो बच्चों कि फॉर एवरी आंसर आई हैव टू राइट 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स, ऐसा ऑडिट में नहीं होता है. और जिस तरीके से पैटर्न आ रहा है वैसे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है. चलिए आंसर रीड कीजिए एक बार. रीड दिस क्वेश्चन. द फर्म इज प्रोवाइडिंग free hospitality to the engagement team including the partner. In such circumstances fundamental principles are violated. Such acts of free hospitality are capable of impairing my objectivity. The situation given in the question signifies ki auditor will form a relationship that may end up being too sympathetic towards the client interest. Ye definition hai aapke familiarity threat ka. Due to free hospitality enjoyed by team member they may take a sympathetic view towards the issues jo unhe audit mein milenge. तो सर इस केस में फेमिलैरिटी थ्रेट क्या हो गया है? अराइज हो गया है. इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, मतलब लिटरली जो क्वेश्चन में लिखा है वही बस प्रेजेंटेशन करना है. थोड़ा बस फंडामेंटल प्रिंसिपल कुछ होता है, ऑब्जेक्टिविटी कुछ इतना तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इसके लिए कुछ याद नहीं करना है. अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन हमने गो थ्रू करना चाहिए. फॉर्म अ जजमेंट एंड राइट योर जजमेंट. कैन वी गो नेक्स्ट? चलो एक क्वेश्चन बच गया बीच में, वो भी देख लेंगे. हाँ, ये थोड़ा परेशान कर सकता है आपको. हाँ, एक चीज मैंने और नोटिस किया इस पेपर के अंदर, ऐसा लग रहा है वो आपसे शेड्यूल 3 के ऊपर एक आध क्वेश्चन पूछेगा. अब वो शेड्यूल 3 वाला क्वेश्चन आपके ऑडिट बुक से रिलेटेड हो या नहीं हो, पर क्वेश्चन तो आएगा. एएस के ऊपर, शेड्यूल 3 के ऊपर ऐसा पहले हुआ करता था, बट पहले क्वेश्चन का क्वालिटी बुरा होता था. वो पूछते थे AS 29 लिख दे,
तो AS-29 का एप्लीकेशन नहीं था, AS-29 ही पूछ लिया था ऑडिट के अंदर, ऐसा होता था 5-6 years बैक, इट वॉज कॉमन। रादर एक बार फाइनल का पेपर आया था 2014-15 में, जहां पे 32 मार्क का पेपर AS पे था फाइनल ऑडिट। इट हैज हैपेंड, दे विल ट्राई टू इनडायरेक्टली आस्क कि भाई ऑडिटर ने ये कंप्लायंस चेक करने चाहिए, उसको कंप्लायंस आना तो चाहिए ना। तो ऐसा क्वेश्चन एक आप शेड्यूल 3 पे या AS पे एक्सपेक्ट करके जाइए, नॉर्मली आएगा ही आएगा। तो जब आप अकाउंट्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, पूरा शेड्यूल 3 तुम्हारे सिलेबस में है, थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना। डोंट थिंक ओनली फ्रॉम अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, 4 मार्क एक्स्ट्रा तुमको शायद ऑडिट के अंदर भी मिलेगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा प्रिपरेशन करना। दिस इज माय रिकमेंडेशन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सी क्या बोलता है। देखो, प्रूडेंट एंटरप्राइजेस हैज इनकर्ड एंड फुल्ली स्पेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या सर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर। कितना अमाउंट खर्च किया उन्होंने, 14.5 लाख इन परसुएंस विद द प्रोविजंस ऑफ 130। अब मेरे को 135 नहीं भी आता ना, फर्क नहीं पड़ता है। रादर वो कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं। आगे देखो, द एक्सपेंडिचर वॉज स्पेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स थ्रू इंप्लीमेंटिंग एजेंसी विच इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी। एज पर लॉ प्रोविजन इट वॉज रिक्वायर्ड टू स्पेंड हाउ मच, 14। ज्यादा खर्च किया गया उन्होंने, क्या खुद बोल रहे हैं ना कि 14 करना चाहिए था, 14.5 खर्च कर दिया है। अब क्वेश्चन शुरू होता है, डिस्कस हाउ सच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेड्यूल 3। ये हमारे चैप्टर 5 के अंदर है। याद है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की लिस्ट है, उसमें CSR वाला था कि आपने एज पर CSR कितना अमाउंट खर्च करना चाहिए, एक्चुअल कितना अमाउंट खर्च किया, किस प्रोग्राम के लिए आपने पैसा खर्च किया, प्रीवियस ईयर का कुछ अनस्पेंट अमाउंट बचा हुआ है क्या। अरे ये सब डिस्क्लोजर है, ये सब चैप्टर 5 के अंदर है और ऑब्वियसली शेड्यूल 3 में तो है ही है। Read the presentation of this answer. I'll show you what is given in Schedule 3. Look at this. Just give me 1 second. Module number 2. Here they go. Read this. हमारे मॉड्यूल में 5D.17 पे है और ऑब्वियसली आपके शेड्यूल 3 के अंदर, तो मतलब आपको अकाउंट्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। ICA मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सिंपल है, व्हेन द कंपनी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 135 द फॉलोइंग शुड बी डिस्क्लोज्ड। क्या डिस्क्लोज करना है, अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंट, द अमाउंट एक्चुअली इनकर्ड, शॉर्टफॉल इफ एनी, टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर शॉर्टफॉल। इसमें कुछ भी नहीं आएगा ना, क्योंकि लास्ट ईयर था ही नहीं, फर्स्ट टाइम है ये, तो कहना ही से मेजोरिटी चीज नॉट एप्लीकेबल है। और एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा आंसर में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ये हेडिंग लिखेगा, राइट साइड में अमाउंट लिख देगा, अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड 14, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड 14.5, शॉर्टफॉल ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है, प्रीवियस ईयर का कोई शॉर्टफॉल बिल्कुल नहीं है, रीजन तो आएगा ही नहीं जब शॉर्टफॉल ही नहीं है। अरे नेचर ऑफ एक्टिविटी ऊपर लिख के दिया उसने, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए खर्च किया है, क्या रिलेटेड पार्टी के थ्रू खर्च किया है, नहीं, उसने लिखा ना ब्रैकेट्स में नॉट रिलेटेड पार्टी। अरे बराबर है कि नहीं है, मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत भी रीड करने का पता है तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, मे बी यू नॉट रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स बट एटलीस्ट मेजोरिटी ऑफ देम, एटलीस्ट मेजोरिटी ऑफ देम इफ यू लॉजिकली रीड। वापस याद करने के लिए जाओगे तो गड़बड़ी होगा। शांति सोचो ना, कंपनी ने बेर मिनिमम पहले 4-5 चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए कि नहीं डिस्क्लोज करनी चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए, कितना खर्च किया है, किधर खर्च किया है, प्रीवियस ईयर का शॉर्टफॉल है क्या, एंड ऑब्वियसली रिलेटेड पार्टी वाला चीज हर बार याद नहीं आएगा, थोड़ा ढंग से रीड करना पड़ेगा। और अगर याद रहा तो आप रिलेटेड पार्टी वाला पॉइंट भी लिख सकते हो। अब ऐसी चीज के लिए थोड़ा मेमोरी काम में आएगा कि आपने अगर एक्चुअली में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को बहुत डिटेल में पढ़ा है, समझा है और थोड़ा बहुत याद भी किया है तो फायदा है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है तो मेरे हिसाब से 50-60% आपका आंसर सही जाएगा। ऐसा नहीं होगा आप समझ ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन क्या है। इट इज नॉट अ क्वेश्चन वेर यू हैव टू स्किप द क्वेश्चन, इट विल नॉट हैपन दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बट इट्स ऑल अबाउट कि मैंने पढ़ते वक्त कितना एफर्ट डाला था, उसके हिसाब से मेरा आंसर डिपेंडेंट है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, खुद ही बता रहा है। इसमें चैलेंज का बात था जब वो कारो डाल देता, CSR पे कारो भी है, समय मिले तो पढ़ना जिंदगी में, ऐसा नहीं किया है इसे, फाइनल में करता है, इट्स कॉमन। चलो अब
थोड़ा बहुत अच्छा फील करने के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर. उसके सारे पार्ट कंपलसरी होते हैं, कुछ आप ऑप्शन लगा नहीं सकते. अब सुनिए एवरीवन, आई वांट योर अटेंशन. आप नोटिस करेंगे इसके बाद हर क्वेश्चन में, ये मैंने ट्रेंड नोटिस किया है, ऑब्वियसली इन एवरी क्वेश्चन देयर आर फोर पार्ट्स, दो पार्ट उन्होंने अपना जो पुराना आदत है कंटिन्यू किया. वन लाइन क्वेश्चन, व्हाट एवर यू रिमेंबर राइट फॉर टू क्वेश्चन इन एवरी क्वेश्चन. दैट मीन्स 7 से 8 मार्क इन एवरी क्वेश्चन इज गोइंग टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिधर आपके दिमाग को स्ट्रेस बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि या तो पता है पढ़ते आता है या नहीं आता है. यू नो दिस थियरी राइट. देखो मैंने बहुत ज्यादा लोगों को अभी रिसेंट टाइम में थोड़ा सुनना शुरू किया है, एंड लॉट ऑफ पीपल यू नो से दैट हम तो सर ऑडिट में क्या करते थे, पहले सारे क्वेश्चंस निकालते थे, पढ़ लेते थे, सिमिलर क्वेश्चन रिपीट होते थे. ऐसा होता था, बट अब ऐसा सिर्फ 2 क्वेश्चन में होगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. सो उस हिसाब से अगर मैं देखूं, उस हिसाब से 30 मार्क का पेपर अभी भी घटिया ही होने वाला है, इसलिए उसको मैंने ओके लिख दिया. मतलब उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. मतलब 30 मार्क्स अकॉर्डिंग टू मी, अज्यूमिंग देर इज नो करेक्ट इनकरेक्ट, अज्यूमिंग देर इज नो करेक्ट इनकरेक्ट, ओनली आई एम अज्यूमिंग डिस्क्रिप्टिव पेपर, 30 मार्क्स इज गोइंग टू बी सच, जहां पे एक्चुअली में आपने अगर अपना नॉर्मल अप्रोच फॉलो किया है, मस्त बैठ के याद करना शुरू किया है, तो आपको आराम से 20-25 नंबर आ जाएगा बिना कोई चैलेंज के. इसके लिए अगर आपने याद नहीं किया है, थोड़ा बहुत भी सही डायरेक्शन में एफर्ट डाला है, तो भी आपको मेरे हिसाब से 15-20 नंबर तो आई जाना चाहिए. मे बी आपको 5-1 नंबर कम आएगा, बट यू विल स्कोर मोर इन द रिमेनिंग 40, बिकॉज इन रिमेनिंग 40 इज प्योरली अंडरस्टैंडिंग. रिमेनिंग 40 इज नॉट अबाउट रिमेंबरिंग, दैट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग. तो सर कुछ ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स देखते हैं. रीड क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए. मैं आंसर डिस्कस भी नहीं करेगा, क्वेश्चन पढ़ते समझ जाना चाहिए तुमको. एनी 4 फाइनेंशियल इवेंट्स और कंडीशंस विच में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज, फाइनेंशियल इंडिकेटर, ऑपरेटिंग इंडिकेटर, अदर इंडिकेटर. उसमें से फाइनेंशियल इंडिकेटर है, नेट लाइबिलिटी पोजिशन है, नेटवर्थ नेगेटिव होने वाला है, तुम्हारा सप्लायर से रिलेशनशिप खराब हो गया है, वो सिर्फ कैश पे सप्लाई करेगा, समझ रहे हो. तुम्हारे पास में शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का जो पैसा है वो तुमको लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज करना पड़. अब मेरे को बताओ SF570 लिखा है क्या इधर? लिखा है क्या? तूने SF570 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं. कोई भी 4 पॉइंट उधर से मैच हो तो लिखने की जरूरत है. ये प्योर टेस्टिंग है तेरे मेमोरी का. 4 पॉइंट मैच हुआ, फुल 4 में 4 मिलेगा. दिस इज वेयर यू विल स्कोर फुल मार्क्स. दिस इज वेयर यू कैन से कि हाँ मेरे को पूरा नंबर मिलना चाहिए. अच्छा एक बात सुनो प्लीज, अगर उसने 4 बोला है प्लीज 4 मत लिखना, मेरे मिनिमम 6 लिखना. क्यों ऐसा? क्योंकि वेरी हाई चांस 2 जो तुमने बनाए होंगे वो मैच नहीं होंगे, 100% मैच नहीं होंगे. क्योंकि तुमको लग रहा है ना, सी आफ्टर और 3 दिन का छुट्टी, इस बार तुम इतना ज्यादा पढ़ के जाओगे ना, तो तुम अपने आप को ना एक्सपर्ट ही मान के जाओगे. प्लीज मेरा हाई रिकमेंडेशन है, ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसा कॉन्फिडेंटली सिर्फ 4 पॉइंट लिखा और अज्यूम किया ये परफेक्ट मैच होने, ऐसा बिल्कुल भी ट्राई नहीं करने का है. राइट 1 or 2 पॉइंट एक्स्ट्रा, क्या पता वो जो एक्स्ट्रा वाला तुक्के में लिखा वो ज्यादा बेटर मैच हो गया. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, आई एम टेलिंग यू, इस क्वेश्चन में और कोई लॉजिक नहीं है. सजेस्टेड आंसर आप देखेंगे, मेरे हिसाब से उन्होंने 570 का रेफरेंस तक भी नहीं दिया है, और लॉजिकल भी है यार. इट्स नॉट रिक्वायर्ड, यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस. सी ऑब्वियसली इफ यू टॉक अबाउट इट एवरी डे यू विल रिमेंबर इट, बट इनमें से कोई भी 4 पॉइंट आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं आएगा. जितना मुझे को याद है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन भी था रेगुलर मैच के अंदर. मैं आपको बोल रहा हूं आपको बहुत बुरा फीलिंग आएगा पेपर खत्म होने के बाद में. आप अपना रेगुलर नोटबुक निकालिएगा, आपको कम से कम ऐसे 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके होमवर्क क्वेश्चन थे. आई एम 100% श्योर ऐसा तुम्हारे साथ होगा. जाने दीजिए, कैन वी गो नेक्स्ट? टाइम पास है. अगला वाला तो बहुत ही टफ है. एडिक्वेट प्लानिंग बेनिफिट्स, प्लानिंग करने का फायदा क्या है? 4 पॉइंट, व्हाट एवर यू लाइक. डू आई हैव टू राइट एनी 4? यस, बट राइट 6 हमेशा. ऐसे क्वेश्चन में तुम चुपचाप 6 पॉइंट लिख के आने का. ऐसा लग रहा है क्या ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट कम से कम जिंदगी में डील कर सकते हो? कर सकते हो क्या? थोड़े जाए ट्रबलिंग क्वेश्चन पे अभी. पक्का एक पॉजिटिव चीज एंड ट्रिकी चीज, आपको ये क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा. आपको मालूम है ना, अरे यू विल हैव 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन. बराबर है. वो डिसीजन जो है, सुनना मेरा बात शांति से, दैट डिसीजन
शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्वेश्चंस, क्योंकि हर क्वेश्चन में दो पार्ट ऐसे रहेंगे जहां पे फुल स्कोर करने का अपॉर्चुनिटी है. हो सकता है आपको ये बेनिफिट याद रहेंगे, ये इंडिकेटर्स याद नहीं होंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? किसी एक क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है दैट जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो दोनों का ओके है, बट द डायरेक्ट क्वेश्चन दिस इज वेयर आई रिमेंबर आंसर बेटर, चूज दैट क्वेश्चन. चाहे आपको केस स्टडी वाला कितना भी बढ़िया लग जाए आप उसके पीछे मत जाइएगा. इन अ केस स्टडी क्वेश्चन वेरी हाई प्रोबेबिलिटी आपको 100% मार्क्स नहीं आएगा, आपको एक या दो नंबर कमी आने वाला है इन अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. बट इन अ डायरेक्ट क्वेश्चन आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो. मतलब जब मैं इस क्वेश्चन को कंपेयर करूंगा, क्वेश्चन टू को कंपेयर करूंगा थ्री के साथ में, दोनों में से कोई एक छोड़ने का मेरे को, तो केस स्टडी कंपेयर ही मत करना. कंपेरिजन हमेशा किसका करना? ये क्वेश्चन का. हाँ, अनलेस उस क्वेश्चन का दोनों केस स्टडी आता ही नहीं है, then it is a problem. अगर आप दोनों केस स्टडीज के बारे में न्यूट्रल हो that I understand ये केस स्टडीज भी और ये वाला भी, I can write logical answers, तो प्लीज डिसीजन मेकिंग केस स्टडी questions के बेसिस पे नहीं, द डिसीजन शुड बी ऑन द बेस ऑफ दीज questions. ये वाले क्वेश्चन बेटर किस क्वेश्चन के आते हैं, अगर वो आपको कंफर्टेबल है तो वो आपने चूज करना चाहिए. इससे आपका एक्चुअली में एक या दो मार्क का स्कोर करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, प्लस स्पीड बढ़ जाता है. क्योंकि अगर ये दो क्वेश्चन आपको याद है तो फटाफट लिख लेंगे, तो आप थोड़ा बेटर टाइम डिवोट किस पे कर पाएंगे? केस स्टडी क्वेश्चन पे. तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी बेटर होगा और आपका स्कोरिंग भी बेटर होगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ये डिसीजन आपका फर्स्ट 15 मिनट्स में होना चाहिए बच्चों. कब होना चाहिए? फर्स्ट 15 मिनट्स में. मैं आप में से कुछ लोग को जेन्युइनली रिकमेंड करूंगा जिनको फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी बाउंसर गया और बाकी वाला पेपर एकदम लॉजिकल लगता है, उन बच्चों ने जेन्युइनली पहले 15 मिनट में फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं चाहिए. अपने क्वेश्चन नंबर यहां से शुरुआत करना चाहिए, टू से. रीड फ्रॉम 2, 3, 4, 5, उसमें से कौन सा छोड़ने वाले हो वो डिसाइड कर लेना चाहिए, उसका सीक्वेंस डिसाइड कर लेना चाहिए. व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग द पेपर देन अकॉर्डिंग टू मी आपने ये पिक कर लेना चाहिए. और आपने लिखना, क्योंकि लिखना तो पड़ेगा ही आपको, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है. अल्टीमेटली आपको थोड़ा सा मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए, स्ट्रेस नहीं चाहिए पहले 15 मिनट में, तो आप इसको रीड करना छोड़ सकते हो. जैसे मैं हमेशा बोलता था, करेक्ट इनकरेक्ट को रीड मत करो फर्स्ट 15 मिनट्स में. आई यूज्ड टू ऑलवेज से नेवर रीड एमसीक्यू एंड करेक्ट इनकरेक्ट इन द फर्स्ट 15, बिकॉज दे आर कंपलसरी क्वेश्चंस. तो जब मेरे को सॉल्व करने ही है, एक गो में पढ़ना ही पड़ेगा उनको, तो मैं जहां ऑप्शन है उसको रीड करके सेटिस्फाई हो जाऊं कि भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन मैंने छोड़ना चाहिए. इज दैट क्लियर टू यू गाइस? चलिए आ जाइए नेक्स्ट. अच्छा, लोकेशन पे जाते हैं. रीड क्वेश्चन नंबर डी, मेरे हिसाब से वेरी गुड कैटेगरी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था. जीएसटी नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क is a not for profit limited by shares company, its 50% shareholding is with union government, that is central government, 50% with different state government. The company provides IT infrastructure and services to various stakeholders including government and taxpayers. Please बैठ के सोचना मत ऐसा कौन सा कंपनी होगा, क्या करता होगा, listed है कि, don't waste your time. आगे, the company is in operation since past few years and subsequent auditor needs to be appointed during the year. ये auditor के appointment में जा रहे हैं क्या? अब question आता आगे, who appoints statutory auditor of such a company which is described above in accordance with the provision of companies act? क्या ये companies act पर चले गया क्या? Can any direction be issued to statutory auditor of above company? ये आसान क्वेश्चन है यार, क्या होना चाहिए? इज इज अ गवर्नमेंट कंपनी बाय डेफिनेशन, यस. हु शुड अपॉइंट द ऑडिटर फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी? सीएजी ने अपॉइंट करना चाहिए. कौन सा ऑडिटर का बात कर रहा है? सब्सिक्वेंट ऑडिटर का बात कर रहा है ना, ठीक है. अच्छा एक बात तो इतना ठीक है, ये लास्ट लाइन का कोई लॉजिक है क्या? लास्ट लाइन का कोई लॉजिक? ऊपर वाला बात ठीक है, ये लास्ट लाइन का कोई लॉजिक है क्या? ऊपर वाला क्वेश्चन 139 पे था कि भाई अपॉइंटमेंट करने का पावर किसके पास में है? सीएजी के पास में. ई गवर्नमेंट कंपनी है, सीएजी अपॉइंट करेगा, ये बात बराबर है. लास्ट लाइन अकॉर्डिंग टू मी विल गिव यू 2 मार्क्स. इफ दिस इज अ 4 मार्क क्वेश्चन, अगर 4 होता तो लास्ट लाइन का 2 नंबर होता. ऑब्वियसली 3 मार्क का है तो लास्ट लाइन के लिए भी आपको सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा. सबसेक्शन 143 सबसेक्शन 5 आपको लिखना पड़ेगा. अगर सेक्शन नंबर नहीं भी पता तो भी चलेगा, मैं आपको बताता हूं बहुत सारे सेशन आंसर में उन्होंने खुद नहीं लिखे हैं. And I'm very happy because at least that means they're not forcing you to remember now. They're forcing you to remember the logic. सुनो, last line का logic क्या है?
अगर एक गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को सीएजी ने अपॉइंट किया, क्या सीएजी के पास पावर है उस ऑडिटर को स्पेशल डायरेक्शन देने का कि तुमने ऑडिट के दौरान क्या चीजें कंसीडर करना चाहिए? 143 सबसेक्शन 5 है ये। सीएजी स्पेसिफिक डायरेक्शन दे सकता है। सीएजी शुड एंश्योर कि वो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बना करके किसको सबमिट करेगा? सीएजी को सबमिट करेगा। एंड जो डायरेक्शन सीएजी ने दिए थे वो डायरेक्शन उसने कंप्लाई किए कि नहीं किए उसको अपनी रिपोर्ट में लिखना पड़ता है। डायरेक्शन इशूड एंड एक्शन टेकन, एंड इसका इंपैक्ट क्या था फाइनेंस? ये 143 सबसेक्शन 5 है। अब वो आपको सेक्शन डायरेक्टली नहीं पूछेगा, वो इनडायरेक्टली सिचुएशन देगा और पूछेगा कि भाई क्या कोई डायरेक्शन देने का पावर एग्जिस्ट करता है? हाँ एग्जिस्ट करता है अंडर 143 सबसेक्शन 5। ये हमने थोड़ा कंपनीज एक्ट में पढ़ा था, थोड़ा पढ़ा था गवर्नमेंट ऑडिट में। कहां पढ़ा था? गवर्नमेंट ऑडिट में। ये एप्लीकेशन है बच्चों, अभी ये क्वेश्चंस के लिए अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वो सेक्शन नंबर नहीं आता है फिर भी इतना तो पता होना चाहिए ना कि भाई गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को डायरेक्शन देने का पावर किसके पास में है? सीएजी के पास में है। चलो आंसर पढ़िए इसका, मेरे सबसे सिंपल सा आंसर आपको आराम से समझेगा। रीड दिस आंसर। सर ये लोग तो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ में आंसर लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वापस से पैराग्राफ में पॉइंट में कुछ फर्क नहीं, बिल्कुल सोचना मत इसके बारे में। आंसर पढ़ो। ऑनलाइन पब्लिक आंसर पढ़ो। पहले तो गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन दे दिया होगा उसने, बराबर है। नॉर्मली अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सीएजी शैल अपॉइंट द ऑडिटर अंडर 139 सबसेक्शन 5, बराबर है कि नहीं है? अब यहां पे एक लाइन पढ़िएगा, द ऑडिटर सो अपॉइंटेड शैल सबमिट अ कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू सीएजी, एंड उसके अंदर डायरेक्शंस जो दिए थे सीएजी ने वो आने चाहिए, एक्शंस टेकन जो है वो भी आने चाहिए, एंड इट्स इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आना चाहिए। ये है कंटेंट फ्रॉम 143 सबसेक्शन 5। सेम वर्डिंग है, वर्ड बाय वर्ड 143.5 ऐसा ही लिखा हुआ है। थोड़ा याद आया क्या? ये मत सोचो तुमको अभी कभी क्यों नहीं आ रहे, ये सोचो 3 दिन पढ़ने के बाद में भी नहीं आएगा क्या? आएगा, इतना नेगेटिव मत सोचो। 3 दिन अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ ऑडिट ही पढ़ा दिन भर, क्यों नहीं आएगा तब यार? हाँ उसके नेक्स्ट डे भली ना आए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। उसके नेक्स्ट डे पर उस दिन तो आएगा कि नहीं आएगा यार? इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? ऑनलाइन पब्लिक, सर थोड़ा टेंशन आ रहा है, सर एक डायरेक्शन भी दे दो। कैसे कर क्या रहा हूं बेटा, हर क्वेश्चन को कंट्रोल। चलो डोंट वरी, आई हेल्प यू। चलो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर बी। अब मैं थर्ड क्वेश्चन में जा रहा हूं, बाउंसर क्वेश्चन दिखा रहा हूं डायरेक्टली, रोने का नहीं है, पहले बोल रहा हूं फिर रोना शुरू कर दोगे तुम। रीड क्वेश्चन नंबर बी। सीए इज दी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ बूम पेमेंट्स बैंक, ये पेटीएम लिखना चाहता था मेरे को लग रहा है। आगे क्वेश्चन पढ़ के आपको समझेगा। ड्यूरिंग द ईयर बैंकिंग रेगुलेटर हैज इंपोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन बैंक फ्रॉम एक्सेप्टिंग न्यू डिपॉजिट्स ड्यू टू नॉन कंप्लायंस इन कंडक्टिंग केवाईसी इन लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट्स। मतलब कुछ तो नॉन कंप्लायंसेस किए तो रेगुलेटर ने उसको क्या कर दिया है? रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि तुम अब नए डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। देर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी, देर इज अ मटीरियल, जब वो क्वेश्चन बना रहे थे तब तक अनसर्टेनिटी था, रिगार्डिंग प्रोबेबल आउटकम ऑफ सच रेस्ट्रिक्शन ऑन द एबिलिटी ऑफ बैंक टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। 570 पे चले गया क्या? सुनो सिचुएशन दिया है जहां उन्होंने बोला है रेगुलेटर ने आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अब नए डिपॉजिट एक्सेप्ट शायद नहीं कर पाओगे, इसका आउटकम पेंडिंग है और इस वजह से क्या है एक अनसर्टेनिटी है कि शायद इसका इंपैक्ट आपके बिजनेस के गोइंग कंसर्न पे आ सकता है। ये तो सिचुएशन हो गया। अब क्वेश्चन अगले लाइन में है, आई वॉन्ट एवरी वन 100% अटेंशन। हाउएवर फॉर द ईयर 2023-24 जिस साल में ये हुआ है अभी तक आउटकम पेंडिंग है, पर 31 मार्च आ गया,
आउटकम पेंडिंग है, बट क्या आ गया 31st, ये मेरा अजम्पशन है बट लिख वैसे ही रहे। ऑडिटर हैज कंक्लूडेड दैट द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस इज, मतलब तुम्हें डिसाइड करना ही नहीं, ऑडिटर का कंक्लूजन ऑलरेडी लिखा हुआ है। इफ अगर याद है ना, मैं क्लास में बोला भी था, वो गोइंग कंसर्न का सिचुएशन तुमको डिसाइड करने के लिए देगा ही नहीं कि प्रॉब्लम है कि नहीं है। प्लीज समझो, वो खुद डिसाइड करके बोलेगा कि ऑडिटर का कंक्लूजन क्या है। ऑडिटर ने क्या कंक्लूड किया, गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज अप्रोप्रिएट, मतलब इज ऑडिटर सेइंग कि गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम कंफर्म नहीं है, बट हमारे हिसाब से द अजम्पशन साउंड्स अप्रोप्रिएट। बट जब अप्रोप्रिएट होता है, कैन देयर स्टिल बी अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, या द कॉम्बिनेशन द अप्रोप्रिएट के साथ में अनसर्टेनिटी हो सकता है। देखो, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बैंक डू नॉट मेक एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ व्हाट सर, मटीरियल अनसर्टेनिटी ड्यू टू अबव इवेंट्स। कुछ नहीं, सुनो, सिचुएशन है जहां पे आपको लग रहा है मटेरियल अनसर्टेनिटी हमारे गोइंग कंसर्न के ऊपर आ सकता है, हम कंक्लूड करते हैं दैट द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज अप्रोप्रिएट, बट स्टिल देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी। डोंट यू थिंक हम यहां पे क्लीन ओपिनियन दे सकते हैं, हम यहां पे क्या दे सकते हैं, क्लीन ओपिनियन दे सकते हैं। बट अगर मैनेजमेंट इस मटीरियल अनसर्टेनिटी को ढंग से डिस्क्लोज करता तो क्लीन ओपिनियन देते हैं। याद करो, क्लीन ओपिनियन देते प्लस एक हेडिंग आता, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू डिस्क्लोजर। थोड़ा बहुत याद आता है, डर लग रहा है मेरे को तुमसे। चलो तुमको थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं, ये आज का काम नहीं है मेरा। याद है गोइंग कंसर्न के सबसे लास्ट में आपको चार बॉक्सेस दिए थे, याद है क्या चार बॉक्सेस दिए थे? थोड़ा बहुत याद है कैसे एटलीस्ट? अब देखो, यहां पे उन्होंने कंक्लूड कर दिया है कि गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट, तो देखो ये इनअप्रोप्रिएट वाला है इसको इग्नोर करना है, ये इनअप्रोप्रिएट वाला है इसको भी इग्नोर करना है, बराबर है कि नहीं है? दिमाग किस पे लगाना है? इन दोनों पे, बराबर है कि नहीं है? देखो क्या बोलता है, गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट बट अ मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर इज मेड। इस क्वेश्चन में क्या है, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, बट एडिक्वेट डिस्क्लोजर इज नॉट मेड। क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है दैट द बैंक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट मेक एडिक्वेट डिस्क्लोजर। व्हाट इज द इंप्लीकेशन, क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इंप्लीकेशन फॉर ऑडिटर्स रिपोर्ट? अगर आप हेडिंग पढ़ो ना, ये ऑडिटर की रिपोर्ट की इंप्लीकेशन ही है। अरे समझा क्या? तो क्या होना चाहिए इस केस में? अब आंसर नहीं बताऊंगा, तुम बताओ। क्वालिफाइड ओपिनियन आना चाहिए, क्वालिफाइड और एडवर्स, दोनों में से कोई भी आ सकता है ना यार। याद है नॉर्मली बोला था इट शुड बी परवेसिव इन नेचर, हम जाएंगे नॉर्मली एडवर्स के ऊपर, पर कुछ भी आ सकता है ना दोनों में से। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप कोई भी ओपिनियन दो, क्वालिफाइड दो या एडवर्स दो, विल यू हैव टू गिव अ रीजन फॉर मॉडिफिकेशन? तो याद है क्या, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन आता है, वहां रीजन भी तो देना पड़ेगा ना। मतलब सुनिए, अगर डिस्क्लोजर होता तो मैं क्लीन ओपिनियन देता एंड हेडिंग लेता मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। डिस्क्लोजर नहीं है तो मैं क्लीन ओपिनियन नहीं दूंगा, आई विल गिव अ मॉडिफाइड ओपिनियन। और ये लॉजिक कहां दूंगा? बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में। ये लॉजिक कहां दूंगा? याद आया क्या? पक्का कंफर्म है क्या? चलो पढ़ो आंसर, पहले पढ़ो, कहानी है पूरी। ये तो फैक्ट ऑफ द केस लिख रहे हैं, बराबर है कि नहीं है? ये आपका आंसर है। If adequate disclosure about material uncertainty is not made, auditor क्या करेगा? या तो qualified देगा या adverse देगा, as appropriate as per 705. Obviously जो भी दूंगा, क्या एक basis paragraph आएगा? It will be either called as basis for qualified or basis for adverse. वहां पर क्या देना पड़ेगा? एक material uncertainty exist करती है that will cast a significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern and financial statement में ये matter disclosed नहीं है। समझा क्या? अगर ये डिस्क्लोज्ड होता तो आता क्लीन ओपिनियन। तो क्या आता? क्लीन ओपिनियन। तो आंसर देखो ऐसा आता, देखो
अगर डिस्क्लोज होता, इफ इट वॉज अप्रोप्रिएट एंड डिस्क्लोज, विल आई गिव अनमॉडिफाइड ओपिनियन. और एक हेडिंग आती इस बार, कौन सी हेडिंग का नाम ही होता, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड गोइंग कंसर्न. आपको एग्जाम्पल भी दिया था, क्लीन ओपिनियन एंड कैन यू सी हेडिंग, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड गोइंग कंसर्न. अगर डिस्क्लोजर आता तो, डिस्क्लोजर नहीं आता तो इधर मॉडिफाइड आएगा और बेसिस के अंदर ये बेसिक तो आएगा ही आएगा और आपका रीजन भी आ जाएगा, दिस विल गो अप. अरे ये बताया है यार, प्योर एप्लीकेशन. अब ये क्वेश्चन बच्चों सही में आता है तो आता है, इसमें कुछ आप नया क्रिएट नहीं कर सकते हो. इसीलिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर मेजॉरिटी एप्लीकेशन क्वेश्चंस. सो इसीलिए हर अलग अलग चीज को बढ़िया से पढ़ते जाओ. किस्मत बढ़िया हुई तो शायद वही क्वेश्चंस नॉर्मली आपको देखने को मिलेंगे जहां आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है. एक आध जगह यार ऐसा होगा ही होगा जहां पर आप अंडरस्टैंडिंग लैक करते हो, वहीं उन्होंने चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछ लिया होगा. आर यू फीलिंग लिटिल बिट लॉजिकल, थोड़ा ऐसा ठीक लग रहा है? जाऊं अच्छे क्वेश्चन पे आगे, अगले वाले वो घटिया वाले क्वेश्चन जरा देख लो एक बार. नंबर सी, डेवलप एन ऑडिट प्लान. ये ऐसे 300 है? नहीं. हाँ नहीं, याद है क्या 300 क्या था? ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम एंड ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी. इधर क्या क्वेश्चन पूछ रहे, ऑडिट प्लान पूछ रहे ना? सबसे आसान, उस पर 3 ही पॉइंट थे. पूरे ऑडिट प्लान में कुछ है ही नहीं. नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एंड अदर प्रोसीजर्स एज पर अदर प्लान्ड एसेस, खत्म. 3 ही, कुछ है ही नहीं. और तो इधर वो कुछ भी पूछ ले, नथिंग एल्स कैन कम, क्योंकि तुम्हारे मॉड्यूल में कुछ नहीं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. कुछ और ऑप्शन ही नहीं है. ये अगर याद है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. ऑब्वियसली दिस इज ऑल अबाउट मेमोरी अनफॉर्चुनेटली. तो कुछ क्वेश्चन है ऐसे, मैं मानता हूं. ऑब्वियसली तुम 300 ढंग से पढ़ने के लिए जाओगे तो आपको इमीजिएटली समझ जाएगा. कुछ याद आएगा? चलो आंसर देखने का तो देख लो तुम. अब तो याद आएगा पढ़ने के बाद में. कुछ नहीं, 315 330 का नाम लिख देना तो भी हो जाएगा. ठीक है क्या? उससे भी बीकॉम लेवल क्वेश्चन देखने का है. डी, व्हाट इज मेंट बाय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. एंड तुमको हंसी लग रहा होगा, तुमको ये 3 में से ना एक नंबर आएगा मेजोरिटी लोग को, डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के लिए. अगला क्वेश्चन तो तुम देखो, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, नॉट एज पर 200, एज पर ऐसे 230. अरे ऐसे 230 का ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है? तुम्हारा नोटबुक अगर निकालोगे ना तो पहले 2 पॉइंट में ये लिखा हुआ है, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लिखाया होगा पक्का से. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ऑडिट बढ़िया से प्लान करके इंश्योर कर पाए कि हमारा ओपिनियन बराबर रहेगा. अरे नहीं याद है क्या? क्या यार, निकालो नोटबुक. पहले 3 पॉइंट पढ़ लो तुम्हारे नोटबुक के. बस ऐसे मॉड्यूल के 230 के फर्स्ट पेज पे. नहीं सर, मिलेगा ही, पढ़ोगे जाके तो पता चलेगा. अब सुनो वापस, इफ आई हैव टू चूज क्वेश्चन 3 और 2, I will prefer question 2 के A and B. I'll tell you why. Please सुनो बच्चों, थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं बताना चाहिए ऐसा, टीचर दिस इज नॉट माई जॉब. उधर क्या 4-4 पॉइंट के मार्क्स मिलेंगे, उधर फिर भी प्रोबेबिलिटी है, जस्ट इमेजिन इन अ 4 मार्क 4 मार्क, ये 8 मार्क के क्वेश्चन है बराबर है. केस स्टडी का वैल्यू कम है, इधर टाइम पास क्वेश्चन का वैल्यू ज्यादा है, और उसमें भी 4-4 पॉइंट लिखने का है. 4-4 8 पॉइंट लिखे और दोनों मिला के 4 सही हुए, तब भी 4 आ जाएगा. अरे इधर का 2 सही हुआ, उधर का 2 सही हुआ, फॉर एग्जाम्पल, फिर भी 4 मार्क चुपचाप क्लीन आएगा कि नहीं आएगा. और प्रोबेबिलिटी ऑफ राइटिंग बेनिफिट्स एंड द इवेंट्स इज इजियर कंपैरेटिवली. ये ऑब्जेक्टिव एग्जैक्टली याद आए ना आए कोई गारंटी नहीं है. हाँ, इसमें कौन सा क्वेश्चन अच्छा होता है, 3rd वाला, वो याद है तो पूरा परफेक्ट याद रहेगा 3 पॉइंट. अरे इसीलिए अगर थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन समझ रहे हैं बट 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, चूज द अदर क्वेश्चन. वापस से
केस स्टडी के बेस पे डिसीजन मत लेना, मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व करना है कि ये डाउट तुमको एक ही क्वेश्चन में हो सकता है, सब में नहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे भाई, आउट ऑफ टू ओनली यू टू चूज वन, अदर्स आर इनडायरेक्टली कंपल्सरी, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस, सो दिस शुड बी ओनली फॉर दैट, बिकॉज मेजोरिटी पीपल हैव दिस प्रॉब्लम, दे कैन नॉट मेक अ डिसीजन इन द फर्स्ट 15 मिनट्स, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये डिसीजन अगर नहीं लिया ना, फिर वो क्या करता है ना, एक क्वेश्चन शुरू करता है, दो आंसर लिखता है, लिखते हुए याद आता है नहीं ये तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा है, फिर वो कट करते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन में जाता है, यू वेस्ट योर टाइम, एंड बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर पेपर इन अ थियरी सब्जेक्ट्स ऑल्सो, डोंट मेक दिस मिस्टेक, ओके, कैन वी गो नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे, कुछ ऐसा परेशान करने वाला, हाँ ये मेरे हिसाब से सबसे घटिया कैटेगरी, मैंने बी वर्ड यूज किया है, बैड, दिस इज अकॉर्डिंग टू मी, ऐसे ने ये नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से, पर एक आउट ऑफ एंटायर पेपर ऐसा आपने पकड़ के चलना चाहिए, ये बहुत ही बुरा क्वेश्चन है, रीड इट मी, ट्राई करें क्या, ये बुरा मतलब ये बच्चे का एबिलिटी भी टेस्ट नहीं कर रहे, मतलब केस स्टडी में फर्स्ट क्वेश्चन में एबिलिटी टेस्ट किया, सोचना पड़ रहा है कि भाई कारो आ सकता है, दिमाग लगाना, इसमें वो है भी नहीं, ये घटिया ही है, ढंग से पढ़ो, वाइल परफॉर्मिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ कॉन्ट्रा इंडस्ट्रीज, अ कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग एलईडी लाइट्स, सीए वरुण डिसाइडेड टू अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन काउंट प्रोसेस ऑफ द कंपनी ऑन 30th and 31st March, ओके, इन्वेंट्रीज आर लाइंग एट 3 डिफरेंट लोकेशंस, 2 लोकेशंस ए एंड बी आर इन 1 सिटी एंड 3rd इज इन अनदर सिटी, ओके, 3 सिटी में आपका इन्वेंट्री पड़ा है, आप फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करने वाले हो, फर्दर कंपनी ऑल्सो सेंड्स इन्वेंट्रीज टू सम सर्विस, जॉब वर्क के लिए भी जा सकता है, फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग, एंड इसकी फैसिलिटीज हमारे पास कंपनी में इनहाउस अवेलेबल नहीं है, मतलब हमारा कुछ इन्वेंट्री बाहर भी हो सकता है, अब आइएगा क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ेगा, सीए वरुण इज वेल वर्स्ड विद दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री, उसको इंडस्ट्री बढ़िया से समझता है, एंड हैज प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ फॉलोइंग मैटर्स जो रेलेवेंट होंगे इन प्लानिंग अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग प्रोसेस फॉर डिस्चार्जिंग इज, मतलब सर वरुण को ये इंडस्ट्री समझती है और उसने सारे मैटर्स को कंसिडर करने का ट्राई किया है टू कम अप विद अ प्लान कि सर हम लोग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को जब अटेंड करें तो हम कुछ को कोई चीज को मिस आउट ना कर दे, उसने क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर किए उसकी लिस्ट बना के दी है, देर आर टू इंपॉर्टेंट मैटर्स जो वो भूल गए, मतलब अगर 8 मैटर्स की लिस्ट है हम नॉर्मली याद भी चार करते हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, उसने 6 लिख के दिए हैं, वो बोल रहे हैं बचे हुए तो वो कौन से हैं, यूजलेस फेलो, स्ट्रेस आना चाहिए पढ़ने के बाद में, कोई तुक्का लगा ना सकता क्या कोई भी, पहले मैटर्स पढ़ो तो सही एक बार, थोड़ा बहुत याद तो आएगा आपको अगर आपने इन्वेंट्री का प्रोसेस सुना है, एक मैटर मुझे लगता है याद आ जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है, पढ़ो एक बार, पहले पढ़ो पढ़ो सारे फैक्टर्स पढ़ो एक बार, इतना आसान नहीं है, सर हमको तो इसमें भी कुछ नए नए लग रहे हैं बुक में देखेगी तो मिल ही जाएगा बेटा, मेरे बुक में सब है तो टेंशन मत लेना, वो मैं श्योर हूं 100%, जो मॉड्यूल में नहीं है ना वो भी है, सुनो तुमको याद होगा अगर तो मैंने हमेशा इन्वेंट्री काउंटिंग के प्रोसेस को शुरू करने से पहले एक पॉइंट बोला था, जब आप इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करने जाते हैं, एज अ स्टोरी बोला था तुमको मैं, ये तो ठीक है, आप मैनेजमेंट के उस बंदे के पास जाएंगे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और उसको पूछेंगे आपने अपने स्टाफ को क्या इंस्ट्रक्शंस दिया है टू परफॉर्म फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, अगर उनका ही इंस्ट्रक्शन बराबर नहीं है तो हमारा चेकिंग करने का फायदा ही नहीं है, अरे याद आया क्या, तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जो इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ने दिया है टू परफॉर्म दिस फिजिकल वेरिफिकेशन वो इंस्ट्रक्शन ही बराबर है या नहीं है, इससे ही कनेक्टेड एक पॉइंट और है, क्या इसमें कहीं पर भी इंटरनल कंट्रोल लिखा है क्या,
क्या इसमें कहीं भी इंटरनल कंट्रोल लिखा है क्या? अगर इन्वेंटरी के रिगार्डिंग कंट्रोल्स ही बराबर नहीं होंगे तो ऑडिटर कैसे श्योर हो जाएगा इधर कितना चेकिंग करना चाहिए? सो डोंट थिंक सेकंड फैक्टर जो हमने कंसिडर करना चाहिए दैट शुड बी इंटरनल कंट्रोल्स, मतलब ओवरऑल रिस्क इधर ज्यादा है और कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन भी गलत है. एक फैक्टर और है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने पूछा ही नहीं और सजेस्टेड आंसर में भी नहीं दिया. कभी कभी इन्वेंट्री हो सकता है बिग बास्केट डॉट कॉम जैसा या रिलायंस के पेट्रोकेमिकल बिजनेस जैसा, ऐसा इन्वेंट्री जो शायद ऑडिटर खुद जाके फिजिकली वेरीफाई भी नहीं कर सकता है, उसके लिए ऑडिटर को भी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना पड़ सकता है. अरे ये फैक्टर भी तो स्टार्टिंग में कंसिडर करोगे ना बिफोर मेकिंग योर फाइनल प्लान. अरे यस और नो, वो फैक्टर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. ये सारे फैक्टर्स, बचे हुए फैक्टर लिखे उन्होंने, बट ये तीन फैक्टर्स मिसिंग है आइडियली. अब इसके लिए एक्सपेक्टेशन, आईसे का एक्सपेक्टेशन क्या है? आईसे एक्सपेक्ट करता है कि तुम तुम्हारे जो भी टीचर की किताब है उसके 501 में जाओगे. जाओ 501 में, किताब लेके आए हो ना, किसी शक्ल उठा के आए हो ऐसी. इन्वेंटरी, मैटर्स रेलेवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस, ऐसा फीलिंग आ रही है मेरे को. ये भी तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन था, पूरा फीलिंग आ रहा है मेरे को अच्छे से. एक्सप्लेन करने के बाद मैंने बोला था यार टाइम पास है, कोई भी चार पांच, इवन आई वेंट रॉन्ग ऑन पब्लिक डिमांड, एक्सेप्ट कर लेता हूं. इवन मेरे को लगा था कोई भी चार लिखा चल जाएगा, आईसे ने मेरे को भी आंसर दिया, उसने इसमें से छह लिखे हैं और दो ढूंढने के लिए बोला है, मतलब मैंने भी बच्चों को गलत गाइडेंस दिया है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो माय गाइडेंस वाज आल्सो नॉट ऑन पॉइंट विद द आईसीएस एक्सपेक्टेशन. उनकी एक्सपेक्टेशन मीट करना मुश्किल होते जा रहा है, डिवाइड है. मेरे को शायद 200-250 घंटे पढ़ाना पड़ेगा अगली बार. हाँ, तभी उनको एक्सपेक्टेशन कैसे मीट करेगा अदरवाइज. सो पढ़ो जरा फैक्टर्स. ई, असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट, एंड डी, ये तीन पॉइंट्स मिसिंग है, बाकी उन्होंने इनडायरेक्टली कवर कर लिए. कंट्रोल वाला पॉइंट बहुत सारे बच्चों ने बोला ऑनलाइन, आई एम हैप्पी. नहीं रे, ऑनलाइन पब्लिक चीटिंग नहीं करता है ऐसा मेरा अजम्पशन है. चलो अब देखो, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप सच्ची में कुछ नहीं कर सकते हो. डोंट फील बैड फॉर योरसेल्फ, यू कांट डू एनीथिंग, दिस इज अनएक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू मी. ऐसा होना ही, ये तो मतलब जेन्युइनली परेशान कर, ये चैट जीपीटी को टेस्ट कर रहे हो बेसिकली. ये थोड़ा मेरे सबसे ट्रबलिंग है, आई एग्री विथ यू, कुछ नहीं कर सकते. चलो एक घटिया क्वेश्चन देखने के गया, क्वेश्चन फोर्थ का पार्ट है, मतलब घटिया मतलब टाइम पास वाला जो तुमको पक्का आएगा. रीड नंबर ए. यू आर पार्ट ऑफ ए एंगेजमेंट टीम कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ एन एंटिटी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. स्टेट फ्यू ऑडिट प्रोसीजर यू वुड अंडरटेक टू परफॉर्म टू वेरीफाई रिकॉर्डेड सेल्स. सेल्स चेक करने का है यार. सर थोड़ा बहुत चांस है दैट द रिकॉर्डेड सेल्स आर नॉट ओवर. याद है बोला था ना मैं स्पेसिफिक, मैं आईसीए को इतना बढ़िया समझने लग गया. सॉरी नो ऑफेंस, मतलब वो बढ़िया क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहता, वो आखिर में जाके घटिया बना ही देगा. वो स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना, सेम सेल्स को दो बार तो रिकॉर्ड नहीं कर दिया है, ऐसे कस्टमर को तो नहीं बेच दिया जो अनअर्न्ड रेवेन्यू है. मस्त चार पॉइंट याद कर लेने का आराम से, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए तुमको मार्किंग करके दिया है. स्पेसिफिक क्वेश्चन इन चैप्टर नंबर 5. बोला कि नहीं बोला तुमको मैंने, सेम क्वेश्चन है. चलो ए और बी का आंसर देख लो, खुश हो जाओ फटाफट 2 मिनट के अंदर. ए एंड बी देखो, ये लिख लेना कोई सा 4 पॉइंट यार. ये हमारे रेवेन्यू में फर्स्ट असर्शन के अंदर लिखा हुआ है. ठीक है, नंबर बी, दो मैटर्स. एडिक्वेट प्रोसीजर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एस्टैब्लिश्ड, मोस्टली प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए गए नहीं दिए, ऑडिटर ने इवैल्यूएट करना चाहिए, मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शन बराबर है क्या.
नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन्वेंट्री के रिगार्डिंग. कभी कभी हो सकता है इन्वेंट्री एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में चले गया होगा और उसका प्रॉपर कंट्रोल अगर नहीं रहा. बेसिकली वो बोल रहा है ना, हमारा इन्वेंट्री बाहर टेस्टिंग के लिए भी जाता है, तो हो सकता है इन्वेंट्री इज मे बी आउट ऑफ योर प्रीमाइसेस, बट आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा. इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बढ़िया कंट्रोल्स भी होना चाहिए. दोनों चीजों को कंसिडर करेंगे वाइल प्लानिंग आर अटेंडेंस एट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री. समझा क्या? चलो आगे चलते हैं. लेट्स ट्राई टू फिनिश द एमटीपी नाउ अकॉर्डिंग टू मी. टाइम हो गया बहुत. पहले क्वेश्चन नंबर डी पढ़ो, सी पे आऊंगा. उसको तुमने वी भी लिखा है, मतलब वेरी बैड. दैट इज द वर्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन आई एम श्योर दे कैन कम अप विद. अभी के लिए डी देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है, थोड़ा दिमाग लगाओ. एसक्यूसी वन ड्वेल्स अपॉन, मतलब फोकसेस ऑन एंगेजमेंट का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एज पार्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन अ फर्म. सुनो शांति से, कैन यू सी अ वर्ड क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू? कुछ वर्ड आया था क्या, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर? बहुत बड़ा स्टोरी सिखाया था स्टार्टिंग में कि लिस्टेड कंपनीज के केस में एक और एडिशनल पार्टनर होता है. और 220 में भी पढ़ाया था, एसक्यूसी 1 में पढ़ाया था. आपके एंगेजमेंट पार्टनर के अलावा देयर इज समवन कॉल्ड एज क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. लिस्टेड कंपनी के केस में यह कंपल्सरी होता है, अदर बिजनेसेस के ऑडिट के लिए यह कंपल्सरी नहीं है. याद है क्या, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या करेगा कि यह एंगेजमेंट टीम बराबर से ऑडिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो रिव्यू करेगा. याद है क्या, दोनों लोगों में कभी कभी लड़ाई भी हो सकती है. एक बोलेगा क्वालिफाइड देने का, एक बोलता है क्लीन देने का. याद है कैसा, एंड दे हैव टू कम टू अ कॉमन कंक्लूजन बताया था एंड फाइनली ओपिनियन. याद कुछ ऐसा याद है, स्टोरी याद आ रहा है क्या? 220 SQ7 याद आ रहा है क्या? चलो अभी क्वेश्चन ढंग से पढ़ना. सर SQ7 बोलता है कि भाई एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन अ ऑडिट फर्म. मतलब हमारे फर्म में जब हम क्वालिटी कंट्रोल लगा रहे हैं तो हमें शायद कभी कभी कुछ एंगेजमेंट्स का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी करना होता है. ये तो SQ7 क्या बोलता है वो लिखा है. क्वेश्चन आगे है, व्हाई इज सच अ रिव्यू रिक्वायर्ड एंड किस टाइप ऑफ एंगेजमेंट के लिए ये मैंडेटरी? लिस्टेड कंपनीज, आंसर खत्म हो गया. एक तो अरे फर्स्ट डे बताना शुरू किया था यार, कम से कम 3-4 बार बताया ये चीज मैंडेटरी किसके लिए है? लिस्टेड कंपनीज के लिए. अच्छा इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि हमारा पूरा एंगेजमेंट टीम जो काम कर रहा है उनके पूरे काम के अंदर क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन रहेगा. दैट मींस हमारा ओवरऑल ऑडिट का क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा. अरे थोड़ा याद आया क्या? अब लास्ट लाइन ढंग से पढ़ना, उसका आंसर आपको थोड़ा समझाऊंगा. ये पहले तब भी समझाया था, लिखना थोड़ा चैलेंजिंग होता है ढंग से रीड करना. व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ अ फर्म फॉर एंगेजमेंट्स फॉर विच क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज नॉट मैंडेटरी. अब लिस्टेड के लिए तो मैंडेटरी है, अब लिस्टेड के लिए तो क्या है, मैंडेटरी. कैन आई से लिस्टेड के अलावा बाकी भी तो बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं जिनके लिए मैंडेटरी नहीं है, उसके लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? याद करो मैंने आपको बताया था कुछ ऐसा, बिग फोर्स हैव देयर ओन इंटरनल रिव्यू टीम्स. हॉट रिव्यू वर्ड यूज करते हैं कभी कभी कि फॉर एग्जाम्पल यूएस या जर्मनी से एक बड़ा टीम आएगा जो इंडिया के अंदर सारे अलग अलग जो ऑडिट्स हुए हैं उनका रिव्यू करने के लिए जाएगा. सो वॉट वी कैन डू इज लिस्टेड कंपनीज के लिए तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाना ही पड़ेगा. अरे हाँ या ना, अदर क्लाइंट्स के लिए एज अ फर्म हम हमारे पैरामीटर्स बना सकते हैं. हम हमारे क्या बना सकते हैं? पैरामीटर्स बना सकते हैं कि हमें हमारे एडिशनल क्लाइंट्स के लिए रिव्यू कैसे करना चाहिए. क्योंकि कंपलसरी नहीं है तो ये इंटरनली फर्म ही डिसाइड करेगा. कौन डिसाइड करेगा? फर्म. आइए आंसर देखिए, डी. देखिए, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मेड इन एंगेजमेंट शुड बी रिव्यूड बाय एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर फॉर टेकिंग एन ऑब्जेक्टिव व्यू बिफोर द रिपोर्ट इज इश्यूड. जो भी रिपोर्ट फाइनलाइज होती है उसके पहले यह रिव्यू होना चाहिए. सच रिव्यू इज मैंडेटरी फॉर लिस्टेड एंटिटीज. इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर एंगेजमेंट फर्म अपने खुद के हिसाब से क्राइटेरिया बनाता है डिसाइड करने के लिए कि बाकी एंगेजमेंट्स का रिव्यू होना भी चाहिए या नहीं. क्योंकि कंपल्सरी सिर्फ किसके लिए बना के दिया है? लिस्टेड कंपनीज के लिए. मैंने रादर आपको यह तक बताया था, इस रिव्यू के अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करते हैं. इस रिव्यू में हम बोलते हैं हमने रिस्क असेसमेंट कैसे किया था, इस रिव्यू में जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है सब कुछ डिस्कस कर.
पूरा आपको रिव्यू के अंदर क्या होता है ये सब बताया था, और बाद में बोला था दोनों लोग अपने सबसे कंक्लूड करते हैं, इसने बोला कोई क्वालिफिकेशन नहीं आएगा, इसने बोला क्वालिफिकेशन भी आएगा, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो क्या करोगे, ये भी आपको बताया था। मेरे हिसाब से अगर ये एमटीपी में आ गया है तो शायद एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिफरेंस इन ओपिनियन बिटवीन अ एंगेजमेंट पार्टनर एंड अ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। 220 एसक्यूएस में सरप्राइज एलिमेंट वही बचा है। वापस से पीडब्ल्यूसी एक कंपनी का ऑडिट कर रहा है, मिस्टर ए इज द एंगेजमेंट पार्टनर। लेट से हम थर्मैक्स का ऑडिट कर रहे हैं, लिस्टेड कंपनी है पूना बेस्ड, पीडब्ल्यूसी इज द ऑडिट फर्म एंड द साइनिंग पार्टनर और द एंगेजमेंट पार्टनर इज मिस्टर ए। क्योंकि थर्मैक्स एक लिस्टेड कंपनी है, हम चाहते हैं हमारा ऑडिट के साथ साथ में एक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को भी अपॉइंट किया जाए, उसको आप क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बोल दीजिए, एंगेजमेंट के लिए क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू बोल दीजिए, पार्टनर बोल दीजिए, फैंसी वर्ड जो यूज करना यूज करो, बट एक सेपरेट पर्सन को हायर किया जाएगा जो आपकी ही फर्म पीडब्ल्यूसी की बॉम्बे ऑफिस से हो सकता है, गुड़गांव ऑफिस से हो सकता है, जो सीनियर पर्सन हो सकता है। ये रिव्यूअर थर्ड पार्टी भी हो सकता है बट चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए जिसको बहुत सालों से ऑडिट करने का एक्सपीरियंस है। अब लिस्टेड करने कंपनी के लिए तो कंपलसरी होता है, तो हम क्या बोल रहे हैं, लेट्स से पीडब्ल्यूसी पुणे हु इज डूइंग द ऑडिट ऑफ अ कंपनी थर्मैक्स, मिस्टर ए इज द एंगेजमेंट पार्टनर, देयर इज मिस्टर बी आल्सो, ही इज लेट्स से फ्रॉम पीडब्ल्यूसी मुंबई ऑफिस, पीडब्ल्यूसी मुंबई ऑफिस। मिस्टर ए को लगता है ऑडिट करने के बाद थर्मैक्स पे आना चाहिए क्लीन ओपिनियन, क्या आना चाहिए, क्लीन। मिस्टर बी इज ऑफ द ओपिनियन कि थर्मैक्स पे आना चाहिए मॉडिफाइड। सर ये मॉडिफाइड तक कैसे पहुंचे, इन्होंने पूरा काम चेक किया होगा, इन्होंने आपका ऑडिट समझा होगा, इसके बाद वो कंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं हमारे हिसाब से देर आर सम मैटर्स जहां पे क्या आना चाहिए मॉडिफाइड। इज देयर अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कैन आई से कंपनी एक है ऑडिट फर्म एक है, पीडब्ल्यूसी है ना यार, कंपनी थर्मैक्स ही है ना यार, तो ऑडिट ओपिनियन तो एक ही आएगा ना यार, सेपरेट रिपोर्ट्स नहीं आ सकता, वो जॉइंट ऑडिट में आता है, सेपरेट रिपोर्ट्स नहीं आ सकता, वो कहां आता है जॉइंट ऑडिट। तो कहना इसे यहां पर ओपिनियन तो एक ही आएगा, तो क्लीन आएगा कि मॉडिफाइड आएगा, हम डिसाइड नहीं कर सकते। इन दोनों ने जो आपके फर्म की मेथोडोलॉजी है उसके हिसाब से अपने प्रॉब्लम्स को रिजोल्व कर लेना चाहिए एंड एक कॉमन ग्राउंड और कॉमन कंक्लूजन पे आना चाहिए। ऐसा सिचुएशन बना के दे सकता है वो कि लिस्टेड कंपनी है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है, दोनों का ओपिनियन क्लैश होता है, व्हाट शुड बी देयर अप्रोच। दिस इज नॉट येट आस्क्ड इन इंटरमीडिएट, अगर वो यहां तक आ गए हैं तो अगली बार ये भी हो सकता है। समझा क्या, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सी अच्छा चीज हो रहा है, वो पूरा एसक्यूसी में लिखने के लिए नहीं बोल रहा है, लीडरशिप क्वालिटी लिखने के लिए नहीं बोल रहा है, वो एप्लीकेशन करने के लिए बोल रहा है, ये फिर भी एक्सेप्टेबल है, पूरा स्टैंडर्ड याद कर लिखना और चैलेंजिंग है। ओके, चलो दो क्वेश्चन पहले बहुत ही अच्छे वाले वो देखते हैं। नंबर सिक्स पार्ट ए, बढ़िया, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी। सीएजेड इज अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ बीटा, बीटा जो भी है व्हाट एवर इट इज, देयर एग्जिस्ट एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन इन द कंपनी हेडेड बाय इट्स चीफ इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर में आजकल बहुत क्वेश्चन आने लग गए, क्वेश्चन इंटरनल ऑडिट में होता ही नहीं है, सिर्फ इंटरनल ऑडिटर के बारे में डिस्कशन होता है, क्वेश्चन स्टैट्यूटरी ऑडिट में होता है, ध्यान रखना पहले वाले में भी यही था, इधर भी देखना तुम्हारे साथ क्या होता है अभी ढंग से। सर कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिट फंक्शन है एंड इट इज हेडेड बाय अ चीफ इंटरनल ऑडिटर, सी ए के नाम है, खत्म। वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स इज असेस्ड एज अ एरिया ऑफ हाई रिस्क By whom, sir? Statutory auditor. He wants to take, can you see a word? Direct assistance of chief internal auditor in respect of above matter. कौन सा matter है भाई ये? Receivables है. उसमें क्या check करने का है? उसमें क्या? Valuation. Valuation of trade receivable. और वो उसको high risk भी बोल रहे हैं. उसके लिए क्या चाहता है? वो direct assist. इसके लिए तो पहले तो SA610 आना चाहिए. Assuming ये आता है, तो ये आप question सुन सकते हो. वरना आगे डिस्कस करके फायदा नहीं है। पर सोचो यहां तक तो क्वेश्चन में ही सब क्लियर कर दिया,
कंपनी में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को एक एरिया में रिस्क ज्यादा लगता है और उसे किसका हेल्प लेना है, इंटरनल ऑडिटर का एज अ डायरेक्ट। डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को बोलेगा तू मेरे बिहाफ पे ऑडिट कर, यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, उसे गाइड करेगा, उसका काम रिव्यू करेगा, बट इट इज एज गुड एज यूर यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर, नॉट द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। आप उनसे ही काम करवा रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट असिस्टेंस। नोटबुक वोटबुक मत जाओ, कोई फायदा नहीं है बेटा ये सब, ये प्योर अंडरस्टैंड। तुम नोटबुक को ढूंढने के लिए जाओगे ना, उधर मैंने डायरेक्ट असिस्टेंस क्या होता है, कब लेना चाहिए वो लिखा हुआ है, इधर क्वेश्चन में वो ही नहीं। तुम क्वेश्चन तक जाओ अभी, रुको तो सही, बहुत बढ़िया है, वेरी हैप्पी। डिस्कस अलोंग विथ रीजंस वेदर इट वुड बी प्रॉपर फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिटर, दो काम दिए हैं, टू असाइन चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ एजिंग ऑफ रिसीवेबल्स टू इंटरनल ऑडिटर। आपने वो एजिंग चेक कर, एजिंग सुना है क्या, 0 to 30, 30 to 60, ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला, ये चेक करने के लिए किसको काम दे दिया है, इंटरनल ऑडिटर को। एंड आप उसको असाइन कर रहे हो कि अब ये भी इवैल्यूएट करो, क्या सर, एडिक्वेसी ऑफ प्रोविजन बेस्ड ऑन एजिंग, मतलब सर एजिंग चेक करो, फिर याद करो जितना पैसा जितने टाइम से आउटस्टैंडिंग रहेगा, इफ इट इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिसीविंग विल बी हाई, क्या उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो प्रोविजन का अमाउंट चेक करने के लिए भी आप इंटरनल ऑडिटर को बोल रहे हो, दो अलग अलग काम असाइन किए हैं, क्या ये सही किया है या नहीं किया है, इज दिस राइट और रॉन्ग। अब आप क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हो अपने हिसाब से, हम आंसर को डिस्कस करेंगे इन 2 मिनट्स, यू कैन रीड अगेन, गुड क्वेश्चन। क्या लगता है, सिंपल सा चीज है यार, डायरेक्ट असिस्टेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, देखो सुनो, ले सकते हैं पर रिलाई नहीं कर सकते, तो फिर असिस्टेंट लेने का फायदा क्या, 100% रिलाई नहीं कर सकते, मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो, नहीं वो अलग कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट जैसे 500, दिस इज नॉट 500, दिस इज 610, वो अलग ही कॉन्सेप्ट होता है बेटा। मेगा चेकर कॉन्सेप्ट, तुझे क्या पता कि इसने बैठ करके वैल्यूएशन की ये एजिंग एनालिसिस किया होगा, कहां लिखा उसने ऐसा, कहां लिखा है कि उसने एजिंग एनालिसिस किया है, बोला है क्या क्वेश्चन में, इंटरनल ऑडिटर अकाउंटिंग नहीं करता है, उसके वर्ड में भी ऑडिट है, वो भी रिव्यूअर है, समझा क्या मेरा बात, इंटरनल ऑडिटर कैन हेल्प अ कंपनी बट वो स्कोप में दिखना चाहिए, इधर दिखा में नहीं है, बच्चों को थोड़ा आंसर देखता हूं, सुनो दिमाग लगाओ, हाँ बाय डिफॉल्ट, और कोई लॉजिक, अब सुनो शांति से, दिमाग लगाना, जजमेंट बराबर है बट इनकंप्लीट कंक्लूजन है। अगर आप रिसीवेबल्स का एजिंग बना रहे हो, एजिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, एजिंग में क्या डिसाइड करना है कि भाई इतना पैसा इतने टाइम से आउटस्टैंडिंग है, इतना पैसा जजमेंट किधर है इसमें, अरे तो बीकॉम आदमी भी करता है, सॉरी नो ऑफेंस, आई अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, एजिंग एनालिसिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज उस एजिंग के बेसिस पे बोलना कितना प्रोविजन आना चाहिए। अरे वापस समझा गया मेरा बात, अरे वो एजिंग तो आपको क्लाइंट बना के देता है यार, हमारा आर्टिकल चेक करके आता है यार, चीफ इंटरनल ऑडिटर है वो, नो ऑफेंस अगेन, ऑफेंस इज टेकन, आई अंडरस्टैंड, चीफ इंटरनल ऑडिटर है वो यार, और इंटरनल ऑडिटर कौन होता है, हु कैन बिकम इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, सेक्शन 138 चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, एनी प्रोफेशनल, अरे मतलब पढ़ा लिखा आदमी है यार, बराबर है कि नहीं है,
वो तुम वापस सुनो, इस क्वेश्चन में वो जानबूझ के लिखा था उधर हाई रिस्क है, ताकि आपको लगे हाई रिस्क है मतलब आपने उसका डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेना चाहिए। ऐसे 610 बोलता है जिधर रॉम ज्यादा होता है, एग्जांपल जजमेंट वगैरह इन्वॉल्व होता है, वहां पर हमने डायरेक्ट असिस्टेंस किसी भी थर्ड पर्सन का नहीं लेना चाहिए, चाहे वो इंटरनल ऑडिटर भी क्यों ना हो। अगर उसे सिर्फ वही पूछना होता ना, वो दो पार्ट में डिवाइड ही नहीं करता, वो क्वेश्चन यही खत्म कर देता। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? उसने तुम्हें परेशान करने के लिए क्वेश्चन में दो पार्ट दिए हैं। पहले में बोला तुमने असाइन किया है, क्या चेक करने के लिए बोला है? एक्यूरेसी। अरे भाई तुम बोल रहे हो ना ये अमाउंट 0 to 30 days में आता है, तो तेरे को डेट चेक करना है बस उसका। ये इस दिन बेचा था, इसके डेट से इसको लेट्स से क्रेडिट पीरियड 30 days का दिया है, ये चेक करना है। इसमें कोई जजमेंट नहीं है, दिस इज अ वेरी मोनोटोनस मैकेनिकल जॉब। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो फर्स्ट जॉब इज वेरी पेटी। यहां पर सिर्फ देखना है कि भाई एजिंग जो बना करके दिया है ना क्लाइंट ने, वो बराबर है कि नहीं है। ये आप किसी को भी दे सकते हो, इंटरनल ऑडिटर तो एक्चुअली में क्वालिफाइड है, ये आप किसी को भी दे सकते हो। प्रॉब्लम किधर है? नंबर टू, जहां पर आप बोल रहे हो इवैल्यूएट करो कि प्रोविजन एडिक्वेट है क्या। प्रोविजन मतलब जहां जजमेंट आएगा, जहां जजमेंट आएगा उधर रोम और ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे बराबर है कि नहीं है? और जजमेंट तो इंसान जानबूझ के गलत भी तो लगा सकता है ना यार, कि ना इसे इधर हमारे लिए रिस्क बहुत ज्यादा है, ये काम हमने किसी को भी आउटसोर्स नहीं करना चाहिए, चाहे वो इंटरनल ऑडिटर भी क्यों ना हो। समझा क्या मेरा बात? वो जानबूझ करके आपको बोलता है कि आपने देखो वैल्यूएशन वर्ड देखो, वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इज असेस्ड एज अ एरिया ऑफ हाई। वैल्यूएशन मतलब क्या? सुनो, मैंने किसी को 5 lakh के गुड्स बेचे तो एंट्री 5 lakh की होगी ना, क्रेडिट पे बेचे मतलब 5 lakh ही रिसीवेबल दिखेगा ना। वैल्यूएशन कम्स व्हेन आई से इज दिस एक्चुअल 5 lakh विच यू बिलीव विल बी रिसीव्ड और यू थिंक लेसर अमाउंट विल बी रिसीव्ड, दैट इज व्हेन वैल्यूएशन कम्स इनटू पिक्चर। अरे जो इनवॉइस पे लिखा उस पर क्या वैल्यूएशन किया तूने? नहीं समझा? नहीं समझा? ऑनलाइन पब्लिक, थैंक गॉड, समझा थोड़ा। चलो आंसर पढ़ो, इसका मस्त आंसर है, आई लाइक दिस। वी आर इन क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट ए ना। हाँ छोटा सा आंसर है रे। एसए 610, एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस टू परफॉर्म प्रोसीजर दैट रिलेट्स टू हायर असेस्ड रॉम जनरली एग्जाम्पल्स वेयर जजमेंट इज रिक्वायर्ड। इन द गिवन सिचुएशन वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इज असाइंड एज एन हायर एरिया। फैक्ट ऑफ द केस बता रहा है क्या ये? जजमेंट रिक्वायर्ड इन चेकिंग एक्यूरेसी इज लिमिटेड, देयरफॉर एक्सटर्नल ऑडिटर कैन असाइन चेकिंग टू द चीफ इंटरनल ऑडिटर। हाउएवर बिकॉज एडिक्वेसी ऑफ प्रोविजन विल रिक्वायर मोर देन लिमिटेड, नहीं लिखो मतलब जजमेंट सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व है यहां पर, क्योंकि प्रोविजन का अमाउंट असर्टेन करना पड़ेगा। इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट टू ऑफर दिस काइंड ऑफ वर्क टू एनी वन एल्स। ये काम हाई रिस्क वर्क है, आपने खुद ही करना चाहिए, क्योंकि याद करना एक चीज 610 में बोला था, यू कैन टेक डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर, पर ओपिनियन कौन देता है? इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, हु इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्ग ओपिनियन? स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल। कंक्लूजन लिखा है तुमको लास्ट में, चाहे आप कितना भी उनको काम आउटसोर्स करके रिलाई कर लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओपिनियन हमेशा किसकी रहेगी? स्टैट्यूटरी। ये आप कंक्लूजन लिखा है भाई, समझा क्या? थोड़ा सा सर, ये एमटीपी खत्म क्यों नहीं हो रहा है? चलो दिस क्वेश्चन आई डोंट थिंक वी हैव टू इवन टॉक। इन एवरी क्वेश्चन वन सच क्वेश्चन विल कम, डोंट फील बैड इन लाइफ। कम से कम ऐसा लग रहा है इतनी बार चिल्लाया होगा ना, ऑडिट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स, ऑर्डर ऑफ प्रोविजन, ऑर्डर ऑफ सैंक्शंस, प्रोपराइटी। और एंड बेस्ट पार्ट है, सबके ऊपर एक एक सेंटेंस लिखना है, किसी भी एक को डिटेल में नहीं पूछा। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है? उससे बुरा चीज क्या है? अब तुम्हारे दिमाग में आएगा, सर मेरे को तो 5 आते हैं, क्वेश्चन तो 4 mark का है, शुड आई राइट एनी 4? नो, यू राइट ऑल द स्टैंडर्ड्स, यू विल राइट ऑल 5। अरे ये तो याद होगा ना यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, कुछ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है यार, ऐसा नेगेटिव में सोचो लाइफ में इतना यार। चलो ये वाला पढ़ो, ये बढ़िया है, गुड। ये मेरे को लगता है मेजोरिटी लोग बाउंसर जाएगा, क्योंकि तुमने वो चैप्टर नंबर 3 को
थोड़ा ढंग से पढ़ा ही नहीं होगा तुम्हारे। मैंने बुक में कुछ एग्जांपल्स लिख के दिए हैं जो चांदी नहीं है। चलो डी, गिवन बिलो इज अ टेबल कंटेनिंग कॉलम ए कॉलम बी। कॉलम ए कंटेन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल्स इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। कंप्लीट कॉलम बी बाय स्टेटिंग अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ कंट्रोल। इसके लिए पहले टाइप ऑफ कंट्रोल आने चाहिए। टाइप ऑफ कंट्रोल, अरे रे क्या पता सर, टाइप्स ऑफ कंट्रोल नहीं 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 हाँ अब तुम सोचो, एक होता है इंटरनल कंट्रोल, एक होता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। मैं आपको एक बात बोला था, सुनो एक चीज याद रखना, अगर पूरे पेपर में, घटिया है सुनना फिर भी, अगर पूरे पेपर में डिजिटल ऑडिट पे क्वेश्चन ना दिखे, अगर पूरे पेपर में डिजिटल ऑडिट, डिजिटल ऑडिट अरे वो इंटरनल कंट्रोल का यूनिट बना के दिया तुमको मैंने अलग से, पूरा का पूरा आईसीए ने उसको मिक्स कर दिया, पर तुमको मैंने अलग यूनिट बना के दिया कि नहीं दिया, ऑटोमेटेड एनवायरमेंट वाला ऑडिट पूरा का पूरा। अगर कोई तुम्हें पूरे पेपर में क्वेश्चन नहीं दिख रहा, मतलब कोई तो क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं समझ रहा ना वो उधर से ही है, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन उधर से ही है। टाइप्स ऑफ कंट्रोल उधर दिया है, जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल, याद आया क्या? अच्छा बेस्ट पार्ट क्या है, डेफिनेशन लिखना ही नहीं है, ढूंढना है इसमें से कौन सा वाला जनरल आईटी कंट्रोल है, कौन सा एप्लीकेशन और कौन सा आईटी डिपेंड। सही, तो और बड़ा प्रॉब्लम है। ये सारे एग्जांपल एक्चुअली में तुम्हारे मॉड्यूल में है, अपने बुक में भी है, रेफरेंस के लिए अभी सुनो शांति से। पहले डिफरेंस, व्हाट इज जनरल आईटी, व्हाट इज एप्लीकेशन कंट्रोल, पहले डिफरेंस तो समझो। कंट्रोल, जनरल आईटी कंट्रोल्स आर ओपन एंडेड कंट्रोल्स जो आपको पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करके बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। दे आर द बेस कंट्रोल्स, द वर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड एज जनरल आईटी। अगर एक कंपनी में आईटी का इस्तेमाल नहीं होता है, ईआरपी वगैरह नहीं एग्जिस्ट करता है, कौन सा ईआरपी लगाना चाहिए, ईआरपी खुद से बनाना चाहिए या कोई थर्ड पार्टी वेंडर का डायरेक्टली अप्लाई कर देना चाहिए, ये कंट्रोल्स कहलाते हैं जनरल आईटी कंट्रोल्स। दे आर कंप्लीटली परवेजिव इन नेचर, दे आर ओपन एंडेड इन नेचर। एप्लीकेशन कंट्रोल्स इज योर डे टू डे वर्किंग, आपका इनपुट करना, आउटपुट को क्लिक करके प्रिंट आउट निकालना, प्रोसेसिंग करना, मतलब जब हम डे टू डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ना, वो कंट्रोल्स कहलाते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स। तो कैन आई से पहले आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तब जाकर के डे टू डे बेसिस पे काम कंटिन्यू हो पाएगा। सो यू नीड टू हैव अ गुड जनरल आईटी कंट्रोल फॉर योर एप्लीकेशन कंट्रोल्स टू एक्चुअली वर्क। इसके लिए सबसे पहले आपको आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं जीआईटी। अब एक बात सुनो, तुम्हारी कंपनी में अज्यूम कर लो कोई ईआरपी नहीं है, तुम्हारे कंपनी में कोई ईआरपी नहीं है, तो एक बात बताओ कौन सा नया सिस्टम अक्वायर करना चाहिए, उसे खुद से डेवलप करना चाहिए या मेंटेन करना चाहिए। पूरे सिस्टम का बात कर रहा है, इज इट साउंडिंग परवेसिव इन नेचर, जनरल आईटी कंट्रोल्स। अरे यहां पर पूरा सिस्टम को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, या तो हम अक्वायर कर लेंगे एज इट इज, फॉर एग्जांपल आप एसएपी के पास गए, उनको बोले हमको एसएपी लगा के दे दो, समझ लो, या आप लेट्स से ओरेकल के पास में गए, ओरेकल कंपनी से ही है, उनको बोला हमको सिस्टम अप्लाई करके दीजिए, चलो छोड़ो, टैली, टैली का सब्सक्रिप्शन लेते कि नहीं लेते, कहने सिस्टम एक्विजिशन हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका बेस कंट्रोल हो गया, दिस इज कॉल्ड एज जनरल आईटी। अब एक बात सुनो, सिस्टम लगाया, डेटा भी तो स्टोर करना पड़ेगा, अरे बराबर है कि नहीं है। कंट्रोल्स रिलेटेड टू ओवरऑल डेटा सेंटर, एंड सुनो हमारे पास डेटाबेस है बट लोग इंटरकनेक्टेड ही नहीं है, डोंट यू थिंक नेटवर्क भी तो बनाना पड़ेगा। ये सब कुछ हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये भी हमारे जनरल आईटी कंट्रोल का पार्ट है। अब सुनिए, कैन यू सी ए वर्ड, रीजनेबलनेस चेक। सुनो हमने कोई डेटा एंटर किया, हमने क्या एंटर किया, कोई डेटा एंटर, एक एग्जाम्पल आप आईसीआई के फॉर्म भरते रहते हो, वो फॉर्म के अंदर बोलता है इसमें सिर्फ न्यूमरिक कंटेंट आएगा, अब उसमें अगर अल्फाबेटिकल चीजें भी डाल देते हो वो रिजेक्ट करता है कि नहीं करता है, या जहां एस्ट्रिस मार्क लिखा है वहां बोलता है ना कम से कम मिनिमम पासवर्ड बनाते हो, मिनिमम 6 कैरेक्टर्स चाहिए, 7 कैरेक्टर्स चाहिए, ना इसे वो रीजनेबलनेस टेस्ट कर रहा है कि जो आप एंटर कर रहे हो वो बराबर लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये डे टू डे बेसिस पे यूज किया जाता है, दैट इज वाई इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ एप्लीकेशन कंट्रोल। सिर्फ चैलेंजिंग आएगा इस सिचुएशन में, पहले तीन एकदम लॉजिकल है क्योंकि एक में सिर्फ डे टू डे बेसिस की एक्टिविटीज चेक हो रही है और सेकंड थर्ड के अंदर पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। चैलेंजिंग रहेगा प्रोग्राम चेंज कंट्रोल, व्हाट इज प्रोग्राम चेंज कंट्रोल। सुनो
एक वर्ड पढ़ाया था आपको चेंज मैनेजमेंट सिस्टम, एक वर्ड पढ़ाया था आपको चेंज मैन, ये ऐसे में भी आया था, कोई बात नहीं सुनो, सिस्टम बना तो दिया है। अब क्या ये सिस्टम के अंदर बदलाव कोई भी लेके आ सकता है? नहीं, ओनली ऑथराइज पर्सन शुड बी अलाउड टू मेक चेंजेस। डोंट यू थिंक ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो गया? ये चेंज हर दिन नहीं आने वाला है, यू कैन नॉट मेक अ चेंज इन द सिस्टम एवरी डे। फॉर एग्जाम्पल एक बात सोचो, HDFC बैंक के अंदर आपने लॉग इन किया, डैशबोर्ड पे क्या दिखेगा? अमाउंट छोड़ के जो आपका फॉर्मेट है, क्या वो हर दिन बदलता है क्या? नहीं। क्या उसके अंदर मेरे को सेविंग्स अकाउंट दिखना चाहिए, डीमैट अकाउंट भी मेरा दिखना चाहिए HDFC सिक्योरिटीज का? ये डिसीजन किसी ने तो बैकएंड पे लिया होगा ना, किसी ने अगर बहुत एक साल दो साल बाद सोचा नहीं यार ये डीमैट अकाउंट इधर नहीं डालने का है, थोड़ा क्लमजी हो रहा है। ये चेंज मैनेजमेंट सिस्टम मतलब सिस्टम के अंदर चेंज को लेके आने का भी एक प्रोसेस होना चाहिए। ये पूरे सिस्टम को बदलने का बात कर रहा है, ना कि और डे टू डे एक्टिविटीज। इसीलिए ये परवेजिव साउंड करता है और ये किधर चले जाएगा? जनरल आईटी कंट्रोल में चले जाएगा, बिकॉज प्रोग्राम को चेंज करना इज समथिंग परवेजिव। हम पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर मेजर बदलाव लाने का बात कर रहे हैं। दैट विल नॉट हैपन ऑन अ डेली बेसिस। अगर डेली बेसिस की एक्टिविटी होती तो बाय डिफॉल्ट किधर चले जाएगा? एप्लीकेशन में। ऐसा मान के चलिए बहुत कम चेंज होने वाली एक्टिविटी है तो वो चले जाएगा जनरल आईटी में। थर्ड जो इधर है ही नहीं, इट इज कॉल्ड एज आईटी डिपेंडेंट, इट इज कॉल्ड एज, एग्जांपल याद करो सर, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, बराबर है कि नहीं है? कोई बात नहीं, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, उसके बेसिस पे सैलरी प्रोसेस होता है। अरे उसके बेसिस पे सैलरी प्रोसेस होता है कि नहीं होता है? कहना इसे अटेंडेंस एक स्वाइप कार्ड सिस्टम लेगा, बट सैलरी प्रोसेस तो मैन्युअली करेगा, तो कहना इसे मैन्युअली एक कंट्रोल, बट डिपेंडेंट है आईटी की रिपोर्ट पे। अटेंडेंस की रिपोर्ट गलत हुई तो सैलरी का अमाउंट भी गलत जाएगा, अटेंडेंस की रिपोर्ट बराबर हुई तो सैलरी का अमाउंट भी सही जाएगा। सो इट्स अ मैनुअल कंट्रोल बट इट इज डिपेंडेंट अपॉन आईटी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। थोड़ा चैप्टर 1, 2, 3 है मेरे हिसाब से, इंटरनल कंट्रोल वाला रिवाइज करना, आपको ये याद आ जाएगा। विच वन इज मोर परवेसिव? जनरल आईटी कंट्रोल्स। इसीलिए जीआईटी अगर अच्छा हुआ तो ये एप्लीकेशन कंट्रोल्स अच्छे हो सकते हैं। सर कोई बहुत इजी वाला क्वेश्चन प्लीज। चलो रीड दिस क्वेश्चन। पढ़ो, 100% बाउंस है ये तो, मतलब तुमको शर्म और बुरा ऐसे लगेगा, तुम्हारे नोटबुक में इसका आंसर भी है पर तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाओगे ये क्वेश्चन क्या है। मेरे सबसे क्वेश्चन ही गलत है। नोटबुक है क्या? दिखा जरा, ऐसे 315 निकाल के दे, कोई भी 315 ढूंढ के दे दो, मेरे को भी अपना नोटबुक देख के अच्छा लगता है बहुत टाइम बाद। ऐसे 315 पॉइंट नंबर 9 देना बेटा, इसको पीछे 315 पॉइंट नंबर 9। ये क्वेश्चन गलत है पर अभी आंसर तो मेरा एक्सप्लेनेशन देने का फर्ज बनता है आपको। सर कॉन्फिडेंस की लग गई, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। और कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को पता था आप में से बहुत सारे बच्चों ने अभी तक कुछ कुछ टेस्ट सीरीज लिखे होंगे, कुछ कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा मार्क्स आ गए होंगे, कुछ लोगों ने ओल्ड वाले पेपर निकाल के सॉल्व किए होंगे, आपको लगा कितना आसान है। थोड़ा रियलिटी चेक होना भी जरूरी है ना, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो मेरा ऑब्जेक्टिव तुमको डीमोटिवेट करना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव तुम्हें प्रिपेयर्ड रखना है। जरा बच्चे वाले क्वेश्चन डिस्कस करते तो अच्छा होता। हाँ आ जाओ, लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू मी व्हाई द क्वेश्चन इज रॉन्ग, आई विल स्टिल एक्सप्लेन द आंसर, डोंट वरी। देखो, The objective of the auditor, in accordance with SA 315, हमारे नोटबुक के अंदर ये पॉइंट नंबर 9 है लास्ट बैच का।
द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इन अकॉर्डिंग विद एसए 315 इज टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट टू लेवल्स, दिख रहा है क्या, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर, जितना आता है उतना क्वेश्चन में लिख दिया है. आगे देखो, विच स्पेसिफिक एक्टिविटीज, यही गलती है क्योंकि जो आंसर है वो एक्टिविटीज नहीं है, वो प्रोसेस है. जो आंसर है वो एक्टिविटीज नहीं है, वो प्रोसेस है. तुम अगर बेर ऐसे में भी जाओगे ना तो ये एक्टिविटीज नहीं है, वो थोड़ा क्वेश्चन फ्रेमिंग में गलती हो गया. ये एक्टिविटी पढ़ के अगर अच्छा रैशनल इंसान हुआ तो वो चले जाएगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पे. वो किधर चले जाएगा? रिस्क असेसमेंट. क्योंकि रिस्क असेसमेंट में याद है क्या कुछ तो पढ़ाया था, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, याद आ रहा है क्या, करंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर वेरिएंस एनालिसिस, ऐसा कुछ याद आया क्या? इंक्वायरी के अंदर भी कितने अलग लोगों से इंक्वायरी कर सकते थे, कुछ ऐसा याद आया क्या? एक्चुअली में दैट इज द आंसर टू एक्टिविटीज. अगर वो क्वेश्चन पूछता है ऐसी स्पेसिफिक एक्टिविटीज जो ऑडिटर ने परफॉर्म करनी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग, 100% क्वेश्चन इज रॉन्ग, द आंसर शुड बी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इफ यू आस्क एक्टिविटीज, इफ यू आस्क एक्टिविटीज. क्योंकि एक्टिविटी मतलब आप क्या काम करने वाले हो, हम इंक्वायरी करने वाले हैं, हम ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं, हम कंपेरिजन करने, अरे That is actually activities. अब इन्होंने आंसर क्या दिया है, इन्होंने प्रोसेस लिख के दिया है. क्या लिख के दिया है? प्रोसेस. कुछ आपको चार स्टेप लिखवा के दिए होंगे. पॉइंट नंबर 9 जरा पढ़ के देखो, ऑडिटर शुड आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, बराबर है कि नहीं है? फिर ये रिस्क परवेसिव नेचर का है या नॉन परवेसिव नेचर का है, कितना चांसेस है कि यह रिस्क एक्चुअली में एक मिसस्टेटमेंट में रिजल्ट होगा, कोई चांस नहीं है दोनों का, ऐसा लग रहा है, शक्ल देख के लग रहा है. Identify the risk, assess the identified risk, मतलब pervasive है, मतलब will it impact the entire financial statement or will it impact only few assertions? If it affects many assertions, I will say it's a pervasive risk. अरे फिर relate the identified risk to what can go wrong. That means सोचो IR, inherent risk, अगर control नहीं होते तो क्या होता, ये सोचो तो पता चलेगा कंट्रोल्स है कि नहीं है. फिर देखो कंसीडर द लाइकलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट, मतलब रिस्क तो है, कितना चांस है कि रिस्क की वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जाएगा, कंसीडर द लाइकलीहुड. ये पॉइंट इतना ही है, रिलेट द आइडेंटिफाइड रिस्क टू व्हाट कैन गो रॉन्ग, असेस द आइडेंटिफाइड रिस्क एंड आइडेंटिफाई द रिस्क, चार कीवर्ड्स हैं. अल्टीमेटली देखना है क्या वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं या नहीं. ये प्रोसेस है, एक्टिविटीज नहीं है, इट इज अ प्रोसेस नॉट दी एक्टिविटीज. एक्टिविटीज होते रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में, कहां होते रिस्क असेस. अब उनका सही सड़ आंसर यह है, मैं ऑनेस्टली अग्री नहीं करता हूं, ये गलत है मेरे हिसाब से, बट यू नो व्हाट आई मीन, राइट? आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. अभी अच्छा चीज सोचो, अगर ये एमटीपी में दिया है, आपको पता है ना जनरली जो एमटीपी का क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में नहीं आता है, आई होप यू नो दैट. तो अगर 315 से कुछ अलग पूछने के लिए जाएगा, शायद रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पूछ ले और शायद क्लियर तरीके से पूछ ले. हां मैं बोल रहा हूं, अच्छा है पढ़ के जाना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड उसकी एक्टिविटीज. लिखवा के दिया तुमको मैंने पूरा डायग्राम बनाया उसके अंदर ही लिखवा के दिया था पूरा का पूरा, ऑडिट प्रोसीजर डायग्राम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एरो बना के लिखा होगा इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन करंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर, ऐसा मस्त पूरा कहानी लिख के दिया है. फिर वो इंक्वायरीज के अंदर भी इंक्वायरी किस किस से करना होता है, इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट, TCWG, इंटरनल ऑडिटर, मैनेजमेंट एक्सपर्ट, अरे इंक्वायरी विद द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, इंक्वायरी के भी 5 पॉइंट लिखवा के दिए हैं यार, ये सब पता है, थोड़ा याद आया क्या? थोड़ा 2-3 बढ़िया क्वेश्चन देता हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 2, गुड क्वेश्चन एंड वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग इन एग्जाम. व्हाई? बिकॉज
नया इंक्लूजन है मेरे हिसाब से, पढ़िए. एसेस अप्लाई इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वेयर हैज एसआरईज अप्लाई इन रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल, एक्सप्लेन इन डिटेल गिविंग एग्जांपल्स. कुछ नहीं, इज इट आस्किंग यू व्हाट आर एसेस एंड व्हाट आर एसआरईज. क्या एसआरई के एग्जांपल सुने हैं क्या? अच्छा, ऑडिट और रिव्यू में डिफरेंस क्या होता है? एक में होता है रीजनेबल अश्योरेंस, एक में होता है लिमिटेड अश्योरेंस. अरे याद है क्या? ऐसे इसके एग्जाम्पल कितने दे सकते हो? बहुत सारे दे सकते हो ना. एग्जाम्पल पूछो तो ऐसे के 5 एग्जाम्पल लिख दे सकते क्या? एसआरई में कितने एग्जाम्पल लिखोगे? 3 लिखोगे? 2 ही सुने थे टोटल मैंने तो. 2410 एंड 2400. रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रिव्यू परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द कंपनी. अरे कुछ नहीं, ऐसे क्या होते हैं, एसआरई क्या होते हैं, एसएस के एग्जांपल्स, एसआरई के एग्जांपल. मेजर डिफरेंस, एसएस होता है इट इज अ ऑडिट, दैट मींस यहां पर आपको ऑप्टेन करना होगा रीजनेबल अश्योरेंस, और यहां पर आपको ऑप्टेन करना होगा लिमिटेड. और दोनों में डिफरेंस की एक टेबल भी दी है आपको, कुछ याद आया क्या? अ गुड एरिया अकॉर्डिंग टू मी अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, बिकॉज पहले इतना कभी डिटेल में यहां क्वेश्चनिंग नहीं हुआ है. आरटीबी की क्वेश्चन है, इसके अराउंड क्वेश्चन फॉर्मेशन हो सकता है, इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चन में भी बोला था डिफरेंस बिटवीन रीजनेबल अश्योरेंस एंड लिमिटेड अश्योरेंस आना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू आना चाहिए. अकॉर्डिंग टू मी अ गुड क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं. और दोनों में डिफरेंस याद है क्या? थोड़ा बहुत भी थोड़ा याद दिलाते हैं. ऑडिट प्रोसीजर दो पार्ट, कौन कौन सा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर क्या क्या आता है? कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव. याद आया क्या? सब्सटेंटिव में क्या क्या आता है? सब्सटेंटिव में क्या क्या आता है? टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर. कुछ याद आया क्या? ऑडिट में यह सब कवर होता है. अरे हाँ, या ना? रिव्यू में ये नहीं आता है. रिव्यू में क्या नहीं आता है? टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं आता है. रिव्यू में फोकस होता है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर प्लस इंक्वायरी. क्या होता है? सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर प्लस इंक्वायरी, दैट इज नॉर्मली द फोकस एरिया ऑफ रिव्यू. इसीलिए रिव्यू का स्कोप कंपेरेटिवली ऑडिट से कम होता है. इसीलिए बोलते हैं ना, रिव्यू करना इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट कि आपको ऑडिट नहीं करना पड़ेगा. ऑडिट तो आपका पूरे एंगेजमेंट के लिए करना ही पड़ेगा. पर क्या ऑडिट से भी आपको एब्सोल्यूट अश्योरेंस मिलता है क्या? ऑडिट से भी आपको क्या मिलता है? रीजनेबल अश्योरेंस. समझा क्या? पक्का? थोड़ा बहुत याद आया क्या? चलो एक अच्छा क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन. एम मोटर्स लीडिंग इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर विथ मेनी ऑफरिंग्स अक्रॉस कमर्शियल पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल, द कंपनी इज पायनियर इन इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांजिशन एंड एंजॉयज कंसिडरेबल एडवांटेज. ठीक है, अच्छा इंडस्ट्री में ग्रोथ है. जी आर एन एसोसिएट्स हैव अपॉइंटेड एज इट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर 22-23. J&K are newly appointed audit assistants in the firm and are part of engagement team which is constituted for the purpose of audit of M Motors. However, they are confused. Kaun? Assistants. What such an audit tends to achieve? They perceive audit as a guarantee against the possible errors or frauds. Do you agree with the perception of assistants? अरे हाँ या ना? गलत बोल रहे ना यार. ऑडिट गारंटी होता है क्या? नहीं ना. कहना इसे हमारा ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा. इन दिस कंटेक्स्ट आउटलाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर. याद है क्या? एज पर एसए 200 द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर इज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस ब्ला 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 ब्ला. याद आया क्या? सुनो प्लीज, एक रिक्वेस्ट है. चैप्टर 1 को थोड़ा सीरियस लेना. चैप्टर 1 के अंदर ये आपको समझता है पर आप आगे डिटेल में पढ़ते नहीं हो. आईसीए ना, वो स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या आता है क्या नहीं आता है, उसके अराउंड क्वेश्चन पूछ सकता है आपको.
लिमिटेड अश्योरेंस क्या है, रीजनेबल अश्योरेंस क्या है, डिफरेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो चैप्टर 11 में जाते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन 200 में आता है उस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट पे क्वेश्चन पूछ सकता है। चैप्टर 1 का बढ़िया प्रिपरेशन करो, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, एंड ये आपके लिए नॉर्मली स्कोरिंग भी होता है, इट विल नॉट क्रिएट सो मच ऑफ अ ट्रबल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक लग रहा है अभी? चलो रीड दिस क्वेश्चन नंबर 3, आता है इसलिए लिया आपके लिए। कुछ याद है क्या? ऐसा 3 पॉइंट थे इसमें, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी याद है क्या? ऐसे 300 के अंदर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाने से पहले था, क्या देखोगे इसमें? कंटिन्यूएंस एनालिसिस लगाना पड़ेगा, एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लायंस चेक करना पड़ेगा, एंड थर्ड पॉइंट अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। 3 ही पॉइंट डॉट ऐसे 300 के, अगर आते तो आते हैं वरना 300 पढ़ लेना। सेम 3 पॉइंट नोटबुक में लिखा के भी दिए, ठीक है? नाउ अ क्वेश्चन जिसके लिए मैंने बहुत सालों तक वेट किया है, फाइनली दिस वॉज आस्ड वंस लॉट ऑफ ईयर्स बैक इन फाइनल, नाउ इट्स इन इंटर। द असिस्टेंट इज असाइंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राफ्टिंग ऑडिट प्रोग्राम रिलेटिंग टू परचेजेस। द फर्म इज अ जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर एंड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैकिंग बॉक्सेस। किससे बनाता है वो? पेपर से बनाता है, स्पेशल टाइप ऑफ पेपर विच इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। क्वेश्चन देखो, हेल्प हिम बाई ड्राफ्टिंग अ, आज तक पूछा ऑडिट प्रोग्राम का डेफिनेशन लिख, एडवांटेज लिख, डिसएडवांटेज लिख। मैं हमेशा बोलता था कोई ना कोई एक दिन तो अकल आएगा, वो बोलेंगे इससे कुछ नहीं होने वाला है, आपने ऑडिट प्रोग्राम ही ड्राफ्ट करना चाहिए। थोड़ा याद है कि अपने अपने बुक के पीछे एक डब्बा था, ऑडिट प्रोग्राम ऑफ कैश एंड बैंक। अरे थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के पीछे 2 डब्बे बनाए थे, स्क्रीनशॉट लगा के दिखाए थे आपको, कुछ थोड़ा बहुत याद है क्या? लेट मी शो यू द आंसर, थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये सर समझता है हमको। ये चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 राइट, ऑडिट प्रोग्राम नहीं नंबर 4 सॉरी। देखो सैंपल ऑडिट प्रोग्राम, नेम ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर्ड बाय, अरे डेट भी आएगा कि नहीं आएगा, दिख रहा है क्या? रिव्यूड बाय, अप्रूव्ड बाय, सब फॉर्मेट दिख रहा है क्या? अपना फॉर्मेट थोड़ा और बेटर था, उसमें एटलीस्ट किस वाले पॉइंट में कौन सा असर्शन है मैंने वो भी लिख के दिया था तुमको। इधर वो पता है क्या चेक कर रहे हैं? तूने कभी ऑडिट प्रोग्राम जिंदगी में देखा है क्या? अरे हाँ ऑब्वियसली सर, कैन आई मेक अ फॉर्मेट जो तुमने दिया? हाँ क्या दिक्कत है ना, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है, स्टैंडर्ड कंटेंट होता है। अरे तुम्हारे नोटबुक में है ना, और तुमने उधर से पढ़ा है ना, सब लिख के दिया 230 के पीछे डब्बा दिया है, उधर देखो असर्शन का डब्बा भी दिया कॉलम, ऊपर देखो वर्क पेपर रेफरेंस डेट प्रिपेयर्ड बाय कैश एंड बैंक ऑडिट प्रोग्राम, पिछले बीच में देखो रिव्यूड बाय भी दिया है। मजा आया कि नहीं आया? मैं बोल रहा हूँ मैं बहुत खुश हुआ इस बार RTPMT भी देख के, सर तुमको तो अच्छा ही लगेगा। हाँ मेरा एग्जाम हो गया ना बेटा, टीचर का एग्जाम हर अटेम्प्ट होता है, ध्यान रखना, दैट इज द रियल टेस्ट। हाँ तो ऑब्वियसली अगर मैंने पेपर पढ़ा मेरे को ही समझ में नहीं तो फायदा क्या हो? बराबर है कि नहीं है? इससे बोले क्या ही हो सकता है? सी आई कैन बी वेरी इन्फ्लुएंसिव, बच्चे को रियलाइज नहीं होगा मेरी गलती क्या, पर पता तो चलना चाहिए ना, दैट्स योर जॉब यार, ऐसा नहीं हम पढ़ना नहीं छोड़ सकते, हमें हर दिन पढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत खुश हुआ ये देख के, एज अ स्टूडेंट कभी इतना खुश नहीं हुआ था कि फाइनली एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है। और एक काम करो ना, सिर्फ इतना पढ़ के देखो ना, एक्चुअली में ये इतना जनरल है, परचेस के रिलेटेड ऑडिट प्रोग्राम, मतलब यू टू मेक अ प्लान कि परचेस कैसे चेक करोगे, क्या चेक करोगे? देखो जरा उसने सारा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है, जीएसटी रजिस्टर्ड है, पेपर खरीदते हैं तो पेपर के इनवॉइसेस देखोगे, अरे बराबर है कि नहीं है? जीएसटी रजिस्टर्ड है तो मतलब आप इसके ऊपर पेपर के बिल के अंदर जीएसटी का कंपोनेंट भी रहेगा, उसे वेरीफाई करोगे, रिटर्न फाइलिंग किया गया वो चेक करोगे, एकदम बीकॉम लेवल आंसर है। पढ़ के देखो, फॉर्मेट वॉज इंपॉर्टेंट इन राइटिंग एनीथिंग लॉजिकल, 2 पॉइंट्स वॉज एक्सेप्टेबल। समझा क्या?
मतलब इट्स वेरी इजी, आप परचेज के ऊपर कोई भी दो पॉइंट लिखो, राधर उल्टा बोलता हूं, जितना क्वेश्चन में लिखा उतने ही दो पॉइंट पिक किया उसने, उसने कुछ एक्स्ट्रा बनाया भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन के दो पॉइंट पिक करने डाल दिया। चलो थोड़ा इजी इजी बहुत हो गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी गुड। मेरे को ऑनेस्टली आरटीपी आई फाउंड बेटर देन एमटीपी। सर ऐसा करके भेजोगे ना अब यहां से, रीड दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बढ़िया है। नाम नहीं, क्वेश्चन देखना। सतरंगा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिकल्स, द ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैव प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। Despite that, there is a possibility that the misstatement in revenue recognition are not identified by planned audit procedures. Identify and explain that particular risk in detail. Very good question. Question पढ़ो ढंग से। तुमने audit procedure ढंग से plan किया, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि कुछ गलतियां हम ढूंढ नहीं पाएंगे, इवन दो माई प्रोसीजर्स आर प्रॉपरली प्लान्ड एंड इंप्लीमेंटेड। तीन रिस्क थी, अभी रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं बात कर रहे हैं, तो देखो इसके बारे में सोचो शांति से। कह रहे हैं हमने पढ़ा था ऑडिट रिस्क, अरे हमने क्या पढ़ा था ऑडिट रिस्क, उधर तो तेरा ओपिनियन गलत जा रहा था, अरे हाँ है ना। ऑडिट रिस्क में तीन कॉम्पोनेंट थे, आईआर, सीआर एंड डीआर, याद आ रहा है क्या? आईआर था मैनेजमेंट के हिसाब से, assuming if there are no controls in place what can go wrong, अरे yes or no। control risk क्या था कि जिस purpose के लिए controls लगाए हैं वो controls purpose achieve नहीं कर, कहना इसे control risk भी तो ultimately management के control में है। actually auditor के लिए कौन सा risk है? एक ही है, that is called as detection risk। एक काम करो, notebook में जाओ, go to detection risk, ढूंढो, उसके last में तुमको notes भी लिखा है पीछे। मेरे को अच्छा लगता है जब आईसीए थोड़ा सा सोच के question पूछता है। अभी डिटेक्शन रिस्क का डेफिनेशन क्या होगा? ये ऐसा रिस्क है जब ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर्स भी सारी गलतियों को ढूंढ नहीं पाएंगे, दिस रिस्क इज कॉल्ड एज डिटेक्शन रिस्क। ये डिफाइन करना है, याद करो, शायद मेरे को जो याद आ रहा है ऐसा लग रहा है तुमको, मैंने आईआर सीआर डीआर लिखाया, डिटेक्शन रिस्क का डेफिनेशन लिखाया, अगले पेज पे कुछ नोट्स लिखाए थे, ऐसा कुछ लिखाए थे क्या नोट्स? देखा जरा, ये टाइम पास आदमी है, इसका बुक कंप्लीट होगा क्या? मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। डिटेक्शन डायग्राम किधर है? आईआर सीआर डीआर, गुड, ऑडिट रिस्क आईआर सीआर डीआर, रिलेशनशिप बिटवीन आईआर सीआर डीआर, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन डिटेक्शन रिस्क। तुमको मैंने एक पॉइंट नहीं लिखाया क्या? अरे लिखाया रहेगा यार, दैट डिटेक्शन रिस्क इंक्लूड सैंपलिंग रिस्क एंड नॉन सैंपलिंग रिस्क, लिखाया ना एक पॉइंट ऐसा लिखाया मैंने, मेरे को जो याद है। ए, इसके अंदर नहीं मिल रहा मेरे को नोट नंबर, हाँ मैंने लिखाया रहेगा, अरे लिखा है क्या? तेरा हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है। इंक्रीज बाय एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, बराबर है, परफेक्ट। चलो अब सुनो शांति से, एक क्वेश्चन क्या पहले देखो, व्हाट इज द क्वेश्चन? हमने बढ़िया से प्रोसीजर लगाया, बट ऑडिटर खुद बोल रहा है डिस्पाइट दैट देर इज अ पॉसिबिलिटी that the misstatements in revenue recognition are not identified by plan. तो सबसे पहले क्या करना है? Identify करना है कि risk कौन सा risk है? Detection risk है. And explain that particular risk in detail. अब problem ये कितना detail में? तो detection risk का मतलब लिखना पड़ेगा. And detection risk normally auditor control करता है, वो लिखना पड़ेगा. And detection risk includes two words. One is called as sampling risk and non-sampling risk. अगर आपको याद है, जब मैंने आपको sampling भी पढ़ाया था, तो आपको बोला था ये sampling non-sampling risk connect करके बताया था. They connected with detection risk. And I told you कि इनको detail में वो 530 में नहीं पूछेगा, because 530 old syllabus में chapter था. अरे 530 ओल्ड सिलेबस में एक चैप्टर था। अब सैम्पलिंग एक चैप्टर ही नहीं ना पूरा का पूरा, सैम्पलिंग इज जस्ट अ स्टैंडर्ड इन अ कॉमन चैप्टर जिसमें बहुत सारे ऐसे हैं, इसलिए वो आपको कहीं पर भी अलग तरीके से पूछ सकता है। यहां पर आपको अनफॉर्चुनेटली आईसीआई का एक्सपेक्टेशन है सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क, वो भी डिफाइन करना पड़ेगा, जो आपको 530 में पढ़ाया है, लिखवा के दिया है 530 के अंदर, और नोटबुक में 530 का रेफरेंस भी रहेगा सैम्पलिंग रिस्क के बाजू में। नोटबुक में जाओ जरा एक बार, एस ए 530 फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज करके हेडिंग मिलेगा,
SFI 30 फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज, जनरल फैक्टर तीन रहेंगे, टॉलरेबल एरर, एक्सपेक्टेड एरर, तीसरा रहेगा सैंपलिंग रिस्क। सब है ये तो मेरे को भी याद है। पढ़ो आंसर। देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स मे नॉट अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स और कुछ गलतियां नहीं मिलेगी। दिस रिस्क इज कॉल्ड एज डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क इज अ रिस्क दैट प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय द ऑडिटर टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लोअर लेवल एंड यू विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट सर्टेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स दैट कुड बी मटीरियल ईदर इंडिविजुअली और वेन एग्रीगेटेड विद अदर्स। डेफिनेशन है ये। आपको सिर्फ शॉक में आएगा कि 200 का रेफरेंस दिया है इसने। एक्चुअली में डिटेक्शन रिस्क 200 में भी रेफर्ड है बट कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम 315। कौन से कम्स फ्रॉम 315। 200 में एक लाइन लिखाया था कि ऑडिट रिस्क एक टेक्निकल रिस्क होती है इसलिए वो जीरो नहीं हो सकती है, इसलिए उसने वहां से 200 उठा लिया बट एक्चुअली में कॉन्सेप्ट 315 से है। आगे देखो। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी में यूज सर्टेन प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग एविडेंसेस टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क बट स्टिल कोई ना कोई रिस्क तो रह ही सकता है जिसकी वजह से वो कुछ गलतियां ढूंढ नहीं पाएगा विच कैन बी मटीरियल। फिर से डेफिनेशन लिख दिया, दिस रिस्क इज कॉल्ड एज डिटेक्शन रिस्क। कहना इसे उसको भी नहीं समझा था आंसर कैसे बनाऊ। डेफिनेशन का फिर से रिपीट किया। नाउ कैन यू सी डिटेक्शन रिस्क कंप्राइजेस सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। थोड़ा याद आया क्या? मैं तो सैम्पलिंग रिस्क के भी दो पार्ट बनाए तुमको। सैम्पलिंग रिस्क का डेफिनेशन, देन सैम्पलिंग फॉर कंप्लायंस एंड सब्सटैंटिव, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, इनकरेक्ट रिजेक्शन। थोड़ा याद है क्या? रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस अंडर। अरे यूजलेस फेलोज, मेरे को पता है ये होने के बाद में कुछ बच्चों ने मैसेज भी किया, सर ये तो ऐसे मॉड्यूल में मिला भी नहीं। नहीं मिलेगा, उन्होंने उड़ा दिया। अरे पहले चैप्टर था वो 530 सैम्पलिंग, अब सिर्फ डेफिनेशन बचा सैम्पलिंग रिस्क का एंड बाद में पढ़ाया था नॉन सैम्पलिंग रिस्क। इस बार भी ओपिनियन गलत है बट इस बार सैम्पलिंग की गलती नहीं है, इस बार तुम्हारा गलती है। अरे मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सैम्पलिंग रिजल्ट्स, प्रोसीजर ही गलत लगा दिया। अरे हाँ है ना, तब भी तो ओपिनियन गलत ही आएगा ना, बट इस बार गलती किसकी नहीं है? सैम्पलिंग की नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज नॉन सैम्पलिंग रिस्क। चला पढ़ के देखो डेफिनेशन, थोड़ा याद आता है क्या? पढ़ के देखो। चलो एक दो अच्छे क्वेश्चन और। नंबर 16, CAK इज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ डेमा प्राइवेट लिमिटेड। नाम तो कहां से लाते हैं यार, पता नहीं। द कंपनी हैज 3 प्लांट्स इन इंडिया। ही इज नियरिंग कंप्लीशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर अंडर ऑडिट बट उसने अभी तक देखो ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं किया है। यट टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। मीनवाइल अ ह्यूज फायर, बोला था ना हमेशा आग लगती है और आपके ऑडिट खत्म होने के आसपास या 31 मार्च के बाद, हैड ब्रोकन आउट इन द वन ऑफ द प्लांट्स लोकेटेड नियर नासिक ऑन 25 जून, डैमेजिंग सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ मशीनरी एंड वर्क इन प्रोग्रेस रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ अबाउट 5 crores. Unaware of the incident, he is in the process of finalizing his report. कब finalize कर रहा है सर? Fortnight. मतलब सर 25 तारीख को आग लग गया इसके सबसे और आप first fortnight मतलब जुलाई के first 15 days के अंदर report finalize कर रहे हो। State few procedures to be performed by him to obtain sufficient and appropriate audit evidences for identifying such events and also explain auditor's response. क्या कुछ subsequent event लग रहा है क्या? Events occurring after balance sheet date but इधर before auditor's report। बोला था ना पहले category में normally question आएगा, intermediate level वही है यार।
अब उसके लिए तुमको लिखाया भी था कि नॉर्मली ये सब्सिक्वेंट इवेंट ढूंढेंगे कैसे, इंक्वायर विद द मैनेजमेंट एंड आस्क देम, तुम कैसे ढूंढने वाले हो? अरे 31 मार्च के बाद में जो उनके सब्सिक्वेंट मीटिंग्स होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के या शेयर होल्डर्स के, उन मीटिंग के मिनट्स गो थ्रू करने चाहिए अपने, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने चाहिए। ये सब तरीके हैं जिससे हम ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैन आई से इस इवेंट के अंदर, ये 31 मार्च के बाद में हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड है, डोंट यू थिंक इट विल बी अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट? अरे एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी एज ऑन बैलेंस शीट डेट, जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्या इसे फायर वाला सिचुएशन है, नॉन एडजस्टिंग कहलाएगा? नॉन एडजस्टिंग का मतलब डिस्क्लोजर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर आएगा तो क्या इसे मैंने डिस्क्लोजर गो थ्रू करना चाहिए, एंड उस डिस्क्लोजर को मैं मेरे ऑडिट रिपोर्ट में लिख सकता हूं क्या? क्लीन ओपिनियन प्लस ईओएम। अरे थोड़ा याद आया क्या? सेम आंसर लिखवा के दिया है आपको नोटबुक के अंदर भी, कुछ याद आया क्या? यू नो सीधी आंसर क्विकली, चलो फटाफट आंसर पढ़ के क्लोज करो। ये तो पढ़ के याद आया होगा इमीजिएटली यार, चलो जल्दी से रीड करो। स्टोरी स्टोरी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इंक्वायरी, रीड द मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ ओनर्स मैनेजमेंट दैट हैव बीन हेल्ड आफ्टर द डेट, मतलब सब्सिक्वेंट हो गए। फिर सर, रीडिंग एंटिटीज लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइन 31 मार्च के बाद वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑब्टेन डब्ल्यू आर फ्रॉम मैनेजमेंट, लास्ट में पॉइंट लिखाया था नोटबुक के अंदर, बराबर है कि नहीं है? अब ये कंक्लूजन, दिस सिचुएशन इज एन एग्जांपल ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट ऑकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। विल दिस रिक्वायर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? यस, तो ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना चाहिए कि ऐसे इवेंट्स को बराबर से डिस्क्लोजर दिया है क्या जैसा डिस्क्लोजर आना चाहिए। क्या मैं इस चीज को ईओ में भी इंक्लूड कर सकता हूं? यस yes. समझा क्या? पक्का? थोड़ा लॉजिकल लगता है? 100%। चलो ईओएम से रिलेटेड आए तो एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं आपको, रीड क्वेश्चन नंबर 18। लॉजिकल है, एग्जांपल लिखने का वसीदे सीधे लिख दोगे, सब्सिक्वेंट इवेंट खुद एक एग्जांपल बन जाएगा, ठीक है ना? अब चलो एक अच्छा क्वेश्चन, जो मैंने आपको बोला भी था, मेरे को लगा था बढ़िया तरीके से फ्रेम होके आएगा, नंबर 19, गुड क्वेश्चन, रीड केयरफुली। सीएएस व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ एंटिटी इज फेसिंग द फॉलोइंग इश्यूज, ही हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड विद नेसेसरी सपोर्ट फॉर अटेंडिंग इन्वेंट्री काउंटिंग प्रोसेस एज एट ईयर एंड, मतलब उसको सपोर्ट नहीं दिया, उसे ढंग से इन्वेंट्री काउंटिंग प्रोसेस खत्म नहीं करने दिया। अकाउंट्स मैनेजर इज नॉट प्रोवाइडिंग हिम प्रेजेंट एड्रेस ऑफ कस्टमर्स एज वेल एज सप्लायर्स, जिन्हें हमें क्या भेजना है, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजना है। इवन ईमेल आईडीज आर नॉट प्रोवाइडेड, की कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाएगा, गुड जोक। ही वॉज नॉट एबल टू वेरीफाई रेवेन्यू ड्यू टू लैक ऑफ कंप्लीट डिटेल्स। ही हैज इवन बीन आस्ड फॉर बिल्स ऑन अ सैम्पल बेसिस, जिसने जब चेक करने के लिए बोला फॉर द पर्पज ऑफ वेरीफाइंग एक्सपेंसिस, स्टाफ ने उसे लेम एक्सक्यूजेज दे दिए, मतलब घटिया एक्सक्यूज। सब चीजें इनडायरेक्टली बोल रहा है क्या? एक किधर जाने वाला है, डिस्क्लेमर की तरफ जाना। अरे व्हेन ऑडिटर इज नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, याद आ रहा है क्या? क्या हम इधर विड्रॉल भी कंसीडर कर सकते हैं? नॉर्मली कंसीडर विड्रॉल करना चाहिए, जहां विड्रॉल नहीं पॉसिबल है उधर हम क्या दे देंगे, डिस्क्लेमर, क्योंकि इधर ऑडिट हो ही नहीं रहा ना ढंग से यार। देखो क्या बोलता है, द मैटर वॉज ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ हायर मैनेजमेंट, बट उन्होंने भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑडिटर हैज कम टू अ कंक्लूजन that the possible effect on financial statement of undetected misstatement would be material and affecting many aspects, matlab pervasive bhi hai, and in such a case a qualification would be inadequate, matlab option kya bacha, disclaimer, ideally consider withdrawal karna chahiye, wo bhi permitted nahi ho to last mein aapne disclaimer dena chahiye, how should auditor proceed in this situation? Ideally पूरी कहानी आपको याद है, एसए 705 के लास्ट में एक नोट है, उस नोट में भी ये पूरा लिख करके दिया है, और लास्ट में डायग्राम भी है।
ये देखो, रीड दिस हेडिंग, consequences of an inability to obtain sufficient and appropriate audit evidences due to management imposed limitation after the auditor has accepted the engagement. Ultimately क्या करना पड़ेगा, withdraw करना पड़ेगा ना यार, withdrawal possible नहीं तो last में क्या दे देंगे, disclaimer दे देंगे. diagram भी याद है क्या, थोड़ा सा पूरी situation ही question में दी है सब कुछ, same situation repeat करने का और last में conclusion देने का है. marks पूरा मिलेगा ये दो point का, अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है पॉसिबल इफेक्ट जो बोल रहा है मटेरियल भी है एंड परवेजिव भी है. यही सिचुएशन है नंबर बी, ए नहीं है, क्वेश्चन में बोल दिया मटेरियल भी है एंड इट अफेक्ट मेनी एरियाज, मतलब वो परवेजिव भी है. तो विड्रॉ करने के बारे में सोचो, एंड इफ विड्रॉल यू बिलीव इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गिव अ डिस्क्लेमर. थोड़ा याद आया क्या, यही आपका आरटीपी का आंसर है. थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है क्या? ऑनेस्टली बताओ बच्चों, एक क्वेश्चन आपसे, सिंपल चीज. देखो ऑब्वियसली कंप्लीट तो नहीं होगा, 12 o'clock फाउंडेशन का एक लेक्चर है यहाँ पे, तो हमें आज का सेशन तो यहीं कंक्लूड करना पड़ेगा. आई हैव टू क्वेश्चंस. थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है क्या, आपको लग रहा है अप्रोच थोड़ा बेटर समझ में आ रहा है क्या, तो हम एक सेशन और ऐड कर देंगे. सर सिंपल ऐड करते जाएंगे जब तक खत्म नहीं होता है, ऐसा तीन चार नहीं करेंगे, ओनली वन मोर ऐड हम करेंगे आइडियली. मैं एक बार क्लासरूम चेक करता हूँ, कल हुआ तो कल सुबह सेम टाइम पे रख लेंगे, कल क्लासरूम नहीं हुआ तो फिर मंडे होगा. I'll confirm that to you on Telegram group within one hour. ठीक, क्योंकि फाउंडेशन के बैचेस होते हैं यहाँ पे, इनके जून में एग्जाम है. थोड़ा आपको एटलीस्ट फायदा हो रहा है क्या? देखो मेरे को अभी थोड़े एमसीक्यू डिस्कस करने हैं जो मैंने मार्क करके लिए थे, प्लस मेरे मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो पेंडिंग है. ऑनलाइन पब्लिक क्या लगता है आपको? रियलिटी चेक ही देना है, मतलब ऑब्जेक्टिव यही है यार, मतलब थोड़ा एटलीस्ट आपको समझेगा कि आपको अप्रोच कैसे करना चाहिए. अभी गुड. हाँ, लास्ट डे जब मैं खत्म करूंगा तो आपको मैं बता भी दूंगा कि आपने खुद से पढ़ाई कैसे करना चाहिए, डोंट वरी. ठीक है सर, एमटीपी टू आने दो. एक आध एमटीपी तो तुमने सॉल्व करना चाहिए ना. कब आ रहा है एमटीपी टू, कब है उनका एग्जाम डेट? आज एग्जाम है क्या? आज है क्या? कल तक बाहर नहीं आएगा वो मेरे हिसाब से. एमटीपी टू इज कमिंग टूडे. चलो ठीक है, लेट्स सी, आई प्लान. वन सेकंड फाउंडेशन स्टूडेंट्स प्लीज, वन सेकंड पेशेंटली वेट देयर, वन सेकंड. अब यहां से बेटा बाहर निकलो सब. थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू कंफर्मेशन, या तो हम कल एक लेक्चर कंटिन्यू करेंगे या मंडे. ठीक है, एमटीबी टू आ जाएगा तो भी डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी. थैंक यू, एंजॉय, काम किया मेरे को और वैसे भी. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे गाइस. वन मिनट. हाँ बोलो, डोंट वरी, मंडे या टुमारो, टेंशन मत लो, सब मार्किंग करके देंगे आपको, टेंशन मत.